नमस्ते, प्रणाम। प्रणाम नमस्कार सर। सर, गुरु प्रणाम सभी को। सभी को प्रणाम। नमस्ते सर, को राधे राधे नमस्कार। सर। नमस्ते प्रणाम गुरु सर, मचा रहे हैं। प्रणाम सर। प्रणाम जी, प्रणाम सभी को, हैप्पी प्रणाम गुरु गुरु पूर्णिमा सर जी। पूर्णिमा की सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। सर, मजा आ गया आज तो सेशन में। हाँ, बहुत अच्छे। शुक्रिया और बढ़िया शुक्रिया। किसमें मजा आ गया? सर, आपका जो सेशन था बढ़िया, जी एकदम टू द पॉइंट आप बात कर रहे थे ना। बाकी तो घूम रहे थे सारे, जैसे आज कहते हो वैदिक में, और सब लोग बोल रहे थे फिर। हाँ, आगे से। लटके हुए चेहरे उठ गए थे। हाँ सर, एक तो वो जो आपने एनर्जी वाला बताया था ना, उससे एक्चुअली एनर्जी बूस्ट हो गई पूरा। हाँ, वो तो होती है। सब सुन रहे थे ऐसे ऐसे करके ना कि क्या हो रहा है। सरप्राइज जैसा लग रहा था। नहीं, अच्छा चलिए, आज का दिन आप लोगों का है। आप लोगों के मन में जो भी प्रश्न हो पूछ सकते हैं, बिकॉज इट्स ओपन सेशन। मैंने बहुत सारे हमारे पिछले जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कभी कभी रास्ता छूट जाता है, तो मैंने आज बहाने बहाने से सबको बुला लिया। और अगर आप लोगों का साथ रहा तो नेक्स्ट संडे से हम प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे अपने पुराने स्टूडेंट्स का। अगले संडे से दोपहर को 3 बजे, ठीक है? कोशिश करते हैं हफ्ते महीने में कम से कम 2 सेशन जरूर करेंगे, सो दैट जो पुराने स्टूडेंट हैं जो छूट जाते हैं, बिल्कुल ही अनटच्ड हो जाते हैं, उन लोगों के साथ भी एक कॉर्ड जुड़ी रहे उसके लिए। बाकी आप लोग बताइए, मन में कोई प्रश्न है जरूर पूछे। प्रश्न सर, आज तो आप वो टॉरस लगन का क्या बताया था सुनील सर को, जो पिल्लो अरे वाली वो कोई एक डॉक्टर। टॉरस असेंडेंट वाले जितने लोग होते हैं ना, वो कौन है यहाँ पे? टॉरस असेंडेंट वाले कितने लोग हैं? टॉरस असेंडेंट कोई नहीं। कैसी बात कर रहे हो? नमस्ते गुरु पूर्णिमा। कौन है? टॉरस असेंडेंट कोई नहीं है तुम्हारे घर में? भी कोई नहीं है किसी के? मम्मी मेरी ठीक कहती है, तेरे जैसा कोई नहीं। आई एम द ओनली टॉरस है। हाँ, सर, माय सन इज टॉरस एसेंडेंट। उसको पिल्लो बहुत उसको मोटा पिलो। लगता है ना। हाँ यस सर, टॉरस और असेंडेंट वाले ढाई इतना मोटा पिल्लो रखते हैं अपनी गर्दन के नीचे। ये एक अलग तरीके का मेथड है जिससे हम प्रेडिक्शन करते हैं, पर वो सबके साथ सही बैठता है। श्री बहुत बहुत स्वागत पुराने सभी स्टूडेंट्स का, खासतौर से जो नए फर्स्ट टाइम जुड़े हैं। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज कैमरा ऑन रखें। इफ योर कैमरा इज ऑफ, दिस इज नॉट गुड फॉर यू। आपके लिए अच्छा नहीं। मेरे जो स्टूडेंट है वो तो जानते हैं बहुत अच्छे से, वो तो कैमरा बंद नहीं रखते। जो फर्स्ट टाइम जुड़े हैं उन लोगों के क्वेश्चंस का मैं स्पेशली वेलकम करूंगा, अगर वो कुछ पूछना चाहते हैं तो। फिर मैं कुछ अपनी तरफ से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, या आप लोगों के जो क्वेरी कंसर्न्स हैं वो आप लोग पूछ लीजिए। आज सिर्फ आपसे मिलने का कोई बहाना चाहिए था इसलिए मिल रहा है बस। लेकिन आए हो तो कुछ ना कुछ तो लेके जाओ, तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे। हम धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं सर, आने गुरु सारे। पूर्णिमा की शुभेच्छाएं। आपको भी जी बहुत बहुत शुभेच्छाएं। आप ही गुरु पूर्णिमा सर, ब्लेस्ड हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू जी। हैव यू। अरे हैप्पी गुरु पूर्णिमा सर, या ब्लेस अस। ग्रेटफुल टू हैव वी नीड योर कनेक्टेड विद ब्लेसिंग। यू। थैंक यू थैंक यू टू टू ऑल ऑल ऑफ ऑफ यू। यू। थैंक शुभकामनाएं। यू टू ऑल ऑफ यू। एसेंडेंट मतलब राजीव गुरु जी लग्न की बात कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, मेरा मिथुन है। ओवर वर्किंग ब्रेन,
वैसे मीन है सनशाइन और मून साइन, बट सनसाइन लग्न मून मुझे साइन का मुझे नहीं पता। इफ यू आर ए जेमिनाई यू हैव ओवर वर्किंग ब्रेन, हाँ वो तो है, ब्रेन कुछ ना कुछ वर्क्स चलता ऑल द टाइम 24/7, है। मन दिमाग शांत रहता ही नहीं और दोनों तरफ चलता है। ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, ऐसा भी अच्छा है वैसा भी अच्छा हाँ है। आप जेमिनाई एसेंडेंट हो, जी 33rd ईयर ऑफ लाइफ में क्या हुआ था आपके साथ? कनाडा माइग्रेट किया था हमने, फिर वापस आ लाइफ गए। बदल गई थी ना उसके बाद? हाँ 1.5 साल रुके उधर पर, जमा नहीं, फिर वापस आ वो अलग बात है, ट्रांसफॉर्मेशन 33 and a half में होता है, गए। दो चार जी महीने चार आगे दो चार महीने पीछे। जी 2006 में हम गए थे, नहीं 2007 में, सॉरी। और बताइए। हैप्पी गुरु पूर्णिमा सर। जो लोग फर्स्ट टाइम जुड़े हैं उनको मैं खास तौर से इनवाइट करता हूँ, इफ दे हैव एनी क्वेरी कंसर्न दे कैन आस्क मी किसी बहाने। सर टोरस लगन, क्या करूँ तो रस उनका क्या टॉरस लगन क्या? सर लगन की बात कर रहे थे ना, और असेंडेंट किसका है? ये मेरा है सर। तो मैंने बताया तो टॉरस लगन वाले बहुत मोटा पिलो रखते हैं वो, मीना जी भी कुछ पूछने की तो मैंने बताया। आपकी जिंदगी के हर एस्पेक्ट को ज्योतिष बताता है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। अर्थात सर नमस्कार। सर सर अब एक मुझे मन चीज, में कोई प्रश्न नहीं है यार, हम तो अपने सर के सामने खड़े होते थे तो अपने आप सवाल याद आने लग जाते थे, सदियों पुराने भी कूदने लग जाते थे कि आज मौका मिला पूछ लो। एक चीज पूछनी थी, बहुमूल्य जैसे प्रश्न। जुपिटर ट्रांजिट में जा रहा है 2025 में, तो उसमें मैं देख रहा था कि वो मिथुन से कर्क में जा रहा बिना रेट्रोग्रेड हुए, उसके बाद फिर आगे जाके 2 महीने बाद फिर वो रेट्रोग्रेशन में जाता है, तो बिना रेट्रोग्रेड हुए अगली में कैसे गया? अरे ये तो गोचर है, इसमें आप और मैं क्या करेंगे, गोचर है तो ये तो नेचुरल है। सर सर फिर वापस उसमें आ गया मिथुन में दोबारा, गोचर थोड़ी हम बदल सकते हैं, गोचर तो सर आगे कंटिन्यू में आगे नहीं थोड़ी। जाना चाहिए, क्योंकि आगे जाके बिना रेट्रोग्रेशन के पीछे आना, ये नहीं मुझे समझ आया। सर वो जो आप देख रहे हो वो अलग चीज होती है, रेट्रोग्रेशन अलग चीज होती है, डिग्री वाइज पैरामीटर्स अलग चीज होती है। आप तीनों को ओके मिला होगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ओके 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 आप तीनों को मिला रहे हो है ना, जी ओके। वो अलग हो। प्लैनेट पहले महीने में भी कई बार 12 डिग्री छू जाता है, तो 1 महीने में 12 डिग्री तो जुपिटर नहीं छू सकता ना, जुपिटर हाँ जी हाँ जी अच्छा तो 1 महीने में 2.5 डिग्री ही चलेगा, इससे ज्यादा तो चल जी नहीं सकता। हाँ जी लेकिन आप ओके जब चाल में देखोगे तो वो 12 डिग्री 14 डिग्री भी हो जाएगा पहले महीने में, दूसरे महीने में, ओके ओके ठीक वो अलग है चीज, वो अलग ठीक। चीज। सर जैसे एक चीज कहते हैं कि पैसा उस घर से आता है जहां शुक्र होता है, तो फिर शनि से कर्म को क्यों देखते हैं? क्योंकि बिना कर्म के पैसा नहीं आता। तो दोनों को सर फिर कैसे कोरिलेट करें कि कर्म और फिर उसको शुक्र को, जिसने कि खाली कोरिलेट कर लिया, जिसने कोरिलेट कर लिया वो मिलेनर बन जाता है। एक गलती ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स करते हैं, जब वो किसी को प्रोफेशन बताते हैं तो वो ये नहीं देखते कि उसका वीनस कहाँ बैठा है। जो प्रोफेशन आप बता रहे हो उससे वीनस कनेक्ट हो रहा है या नहीं कनेक्ट हो रहा है। आपने कोई ऐसा प्रोफेशन उसको बता दिया जिसमें वीनस का कनेक्शन ही नहीं हो रहा, तो आप काम कितना ही भी करो अर्निंग्स तो लो ही रहेगी, ओके यानी है कि ना। कर्म शनि से
और फिर उसका कनेक्शन वीनस से भी, उस घर से भी बने, उस प्रोफेशन काम देखते का। समय इसको जोड़ना जरूरी है। पत्री जी में जोड़ा नहीं जोड़ा वो भी तो मैटर करता है ना, आपके जोड़ने से क्या हो जाएगा। ओके, मेरी अच्छा पत्री में नेचुरल वे में जोड़ा ही नहीं है, तो आप भी जोड़ जी लोगे तो क्या कर लोगे, कुछ नहीं होगा। ओके हमारे जुड़ने से नहीं होता ना सर। ओके ओके ठीक है। सर आजकल युग परिवर्तन ये शब्द बहुत सुनाई में दे रहा है, तो सर आप बताइए कुछ ऐसा कुछ होने वाला है? क्योंकि हम लोगों को तो बहुत डराया जाता है कि जो इंडिया से बाहर है वो वापस आ जाएं, जल्दी से जल्दी आ जाएं, तो सर इस बारे में कुछ बताइए। कुछ नहीं है ऐसा, ये बिजनेस का सबसे अच्छा तरीका है डिस्क्लोजर। युग परिवर्तन हो रहा है, राशि परिवर्तन हो रहा है, भाव परिवर्तन हो रहा है, नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, अरे ये तो सदियों से होते रहे हैं, कोई नई चीज थोड़ी हो रही है। आपकी जिंदगी में क्या बदला? आप भी 35-40 साल के आसपास हो गए, यहाँ पे 50-60 वाले लोग भी हैं। ये नक्षत्र ग्रह भाव सब बदलता ही रहा, परिवर्तन तो रोज होता है। प्रणाम आपकी सर। जिंदगी में क्या ऐसा इतना इवेंट, मतलब इतना कोई बहुत बड़ा कुछ ऐसा चेंज आ गया जिससे कहो यार मेरा तो सब कुछ ही परिवर्तन हो गया, ऐसा हुआ क्या? नहीं नहीं हुआ ना। तो फिर ये गिमिक है एस्ट्रोलॉजी में कमाने का सबसे अच्छा तरीका। सर, जी इनका मैं दे दूं थोड़ा अब दे दो। जवाब। युग परिवर्तन हो रहा है, अपने विदेश है तो विदेश ही रहना, यहाँ मत आना, बहुत महंगाई है। युग परिवर्तन हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि मेरे जातक गणना के अनुसार 8.5 लाख जो हमारे भारतीय NRI बन चुके हैं, करोड़पति, तो यहाँ से सब पैसे वाले जा रहे हैं इस नरक में हमारे को छोड़ के। नहीं, ओह माय गॉड, इंडियन मिलियनेयर्स आर लीविंग इंडिया, हाँ जी, ये आज की सबसे बड़ी रिपोर्ट है। और दुबई ने उसमें आग में घी का काम किया, गोल्डन वीजा देके। आप 4.5 करोड़ रुपया दुबई में लगाओगे, इसका प्रॉमिस करके जाओ, गोल्डन वीजा ले लो, 4.5 करोड़ रुपया अगले 5 साल में लगा देना, कोई टेंशन नहीं है, आप दुबई में रह सकते हो विद ऑल द सिटीजनशिप फैसिलिटीज। तो इंडियंस आर लीविंग इंडिया, दिस इज अ वेरी ट्रेजिक इंसिडेंट एक्चुअली, एग्जैक्टली। लेकिन यही है, यहाँ हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ से शिफ्ट कर गई, सिंगापुर दुबई चली गई। हमारी गवर्नमेंट कहती है तुम कमाओ मत कमाओ, हमें पैसे दो, तो कंपनी कहती है हम जा रहे हैं दुबई, वहां पे कंपनी मांगती नहीं पैसे, सरकार मांगती नहीं पैसे, तुम तो मुंह खोल के बैठे हो। सर, जब सुडान का ये हुआ था ना, सुडान का, तो उसमें यही कारण था, उसके यहाँ पे इतना गरीब जो बना हुआ बयाना सुडान है, यहाँ कॉर्पोरेट उसमें यही टैक्स चालू प्रोसेस हो चला गया। था पहले, उसको पढ़ना अच्छे से, क्योंकि कंपनियां इंडियंस और जो यहाँ एशियन थे उनको कॉर्पोरेट बाहर टैक्स निकाल दिया चालू था हो उन्होंने, गया। पैसे वाले चले गए थे छोड़ छोड़, भुखमरी की नौबत आ गई थी। यही हमारे यहाँ भी हो रहा है। मिलियनेयर्स आर लिविंग इंडिया विद होल लॉट ऑफ मनी। चलिए ये तो देश का मामला है, हमारे यार आपके लेवल से बहुत ऊपर की बात है। पर दुबई आके किसी को सिटीजन राइट्स नहीं मिलते हैं, यू आर ऑलवेज गोल्डन अमंग वीजा दैट। में, गोल्डन वीजा में मिलते हैं। गोल्डन वीजा में सिटीजन राइट्स? हाँ जी, अच्छा सर, वो छोड़िए, अभी हम तो, मैं तो दुबई आ नहीं रहा, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है, जब हो जाएंगे तब आ जाएंगे। सर एक अडॉप्शन की बात हो रही थी, वो कैसे चेक करेंगे हम सेमिनार एडॉप्शन इज जुपिटर से मून 5th हाउस, देयर इज अ में? चांस ऑफ एडॉप्शन। हाँ प्लीज सब लोग म्यूट रखिए, जब आपको कुछ बोलना पूछना हो तो ऑन करिए ऑडियो, नहीं तो म्यूट रखिए। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम जी, कैसे हैं प्रभु? आपके आपके लिए 2 शब्द, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।
सब लोगों की तरफ से आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और चरण वंदना हम सबकी ओर से गुरुदेव। आप सबको भी बहुत बहुत बधाई गुरु गुरु की। धन्यवाद। सर आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करिए, कोई कोई आपको डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ हो कहीं। चलो आप लोग कुछ पूछ लो अपने बारे में, आज ऐसे कर लो। नहीं सर, आप ना लाइफ के बारे में कोई ऐसी टिप दीजिए जो चाहे पत्री कैसी भी हो बट एक इंसान ठीक ठाक से सेल कर पाए, मतलब एक अच्छा इंसान बन के, कि उसमें क्या क्वालिटी है। उसका पहला नियम ये है, आपकी जिंदगी में कितनी भी तकलीफ हो, कैसी भी तकलीफ हो, किसी भी लेवल की तकलीफ हो, ईश्वर का हाथ पकड़ के रखिए। और उसको प्रैक्टिकली कैसे करना है, ये तो एक फिलोसॉफिकल आंसर हो गया है ना। प्रैक्टिकल आंसर क्या है? प्रैक्टिकल आंसर ये है कि आप मेडिटेशन कीजिए। जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपका हाथ वो पकड़ता है। देयर इज अ डिफरेंस, हम उसको पकड़ते हैं या वो हमें पकड़ता है। हम उसको पकड़ते हैं ऐसे हमारी तकलीफ शायद हो ना हो कम, क्योंकि वो उसका हाथ पकड़ में आएगा या नहीं आएगा, या ये भ्रम है हमारा, है ना। लेकिन अगर वो हाथ पकड़ लेगा तो हमारे सारे लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और वो हाथ हमारा तब पकड़ता है जब हमारी सांसों की जो रिदम होती है ना वो स्टेबल होती है, और वो 1 मिनट में ली जाने वाली सांसों पे डिपेंड करता है, हाउ लेस यू आर टेकिंग ब्रीथ इन 1 मिनट, है ना, इन नंबर्स। अगर आप नॉर्मल आदमी 1 मिनट में 18 से 20 22 सांसें लेता है, अगर आप 12 सांसों से कम 1 मिनट में लेते हो तो ईश्वर आपके साथ है। आप नॉर्मल कंडीशन में भी हो, जैसे अभी बैठे हो क्लास अटेंड कर रहे, लेकिन आपकी जो रिदम है ब्रीद की वो इतनी सॉफ्ट है, इतनी काम एंड क्वाइट है कि आप 1 मिनट में 12 सांस से ज्यादा ले ही नहीं पा रहे हो, तो ईश्वर आपके साथ है। या इसको दूसरे तरीके से कहो तो ऐसे कह सकते हो, जब ईश्वर आपके साथ होता है तब आपकी ये अवस्था होती है कि यू आर इन अ कॉन्स्टेंट मेडिटेटिव स्टेट। आप मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आंख बंद करके धूप बत्ती जला के पूजा पाठ हवन यज्ञ की सामग्रियां रख के और फिर ईश्वर को याद करना। ईश्वर को ना धूप चाहिए, ना बत्ती चाहिए, ना फूल चाहिए, उसे एक्चुअली में फूल चाहिए। फूल मतलब बेवकूफ। ईश्वर के सामने बेवकूफ बन जाओ तो वो साध लेता है। ईश्वर से स्मार्ट बनोगे फिर वो नहीं साधेगा। उसे भोले भाले लोग पसंद हैं, चालाक चतुर लोग नहीं पसंद। वो भोले भाले लोगों की रक्षा के लिए तो आ जाता है, चतुर चालाक के लिए नहीं आता। ये जो लोग बहुत ज्यादा अपने पर्सनल लाइफ में चतुर चालाक बनते हैं ना, ये भूल जाते हैं कि ये हरकतें करके ये ईश्वर को अपने से दूर कर लेते। होता क्या है, चतुर चालाक आदमी कैसा होता है, जब भी कभी सिचुएशन होगी तो वो क्या बोलेगा, मैं कर लूंगा, इसको ऐसे पटा लूंगा, उसको ऐसे बता दूंगा, इसको वैसे बना लूंगा, इसको ऐसे मैनेज कर लूंगा, आई विल डू ऑल द रेमेडी विद ऑल द पर्सन, है ना, एंड आई विल हैंडल द सिचुएशन। ये चतुर चालाक आदमी ये ऐसे ही कर, ठीक है। भगवान कहते हैं जब तू कर रहा है तो तू कर, मैं काहे को पंगे में पड़ूं तेरे। जब वो देखता है मेरा बच्चा फंस गया और ये भोला भाला है, इसको दुनिया वाले बेवकूफ बना रहे हैं, तो वो आपकी रक्षा के लिए आ जाता है, ठीक है। चालाक आदमी कहता है आई विल डू, और भोला भाला क्या कहता है, प्रभु रक्षा बिल्कुल करो, प्रभु रक्षा करो। तो प्रभु आवाज किसकी सुनता है, चतुर चालाक की नहीं सुनता, क्योंकि चतुर चालाक की आवाज में भगवान को बुलाने का जो एक रहता है ना वो नकली होता है, वो असल नहीं होता, उसके दिल से नहीं निकलता। दिल से तो वो कहता है मैं मैनेज कर लूं,
मैं जुगाड़ बैठा लूंगा, मैं ही कर लूंगा, तो जब मैं आती है तो हम नहीं आते, है ना। सिखिज्म में एक शब्द है सोहम, दैट सोहम इज मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरा रब शिव है है ना। शिव जी, है मेरे साथ, तो शिव शिवोहम हो जाता, योग। ठीक है। वो हम में ही आता है, वो मैं में आता नहीं। तो जो आदमी ज्यादा मैं करता है वो चालाक चतुर इंसान है ना। आई विल डू दिस, मैं कर लूंगा। और भगवान जी भी कहते हैं अच्छा तुम ही करो भैया, वाई शुड आई एंड अप हियर। तुम्हें अकल दे दी, जिसको नहीं दी उसको मैं मिलूंगा, है ना। ईश्वर सर चालाकियों से नहीं मिलता, ईश्वर मूर्खों को मिलता है। मूर्ख कौन? जिसको दुनियादारी की ज्यादा समझ ना हो, भोला हो, वो ईश्वर को ज्यादा प्रिय हो, शरण विश्वासी ठीक है। सर, इसमें तो आपने सोहम शब्द का यूज किया था, तो हम तो एक शब्द और इसमें ओहम, उसका क्या अर्थ? जैसे ये यार हमारे टेक्निकल गुरुजी चीज ये, हाँ वो हर एक का अपना अपना फ्लेवर रहता है। कोई गुरुजी कुछ कैसे बोलते हैं, कोई मेरे गुरुजी कुछ कैसे बोलते हैं। मेरे पास बहुत ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस तो नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ हम जहाँ आता है तो वहां दो लोग हैं, और जहां मैं आती है वहां एक है ना। हम में एक मैं हूं और एक मेरा रब है, तभी हम बने, ठीक है। अब वो शिवोहम हो गया, आप शिव में हम ढूंढ रहे हो अपने, सोहम है अपने सुख, जो ईश्वर का दिया हुआ सुख है आप उसमें ढूंढ निर्वाणाष्टकम रहे में हो। इसलिए बोलते हैं वो शिवो हम, जैसे तो जैसे आप शिवो हम में भी समझ दो लो आ तो गए, समझ लो, है जब ना। हमारे जी बताते थे ओहम सोहम के जप को, मतलब आप ओहम सोहम के उन्होंने करिए शिवो शिव को हटा के ओम कर दिया, है ना। शिव और ओम एक ही है, दोनों अलग अलग तो है नहीं, तो वो हर एक का अलग अलग तरीका रहता है बोला। ओम। जैसे बहुत से ऐसी उपाधियां होती हैं जिनको हम अलग अलग तरीकों से अलग अलग नामों से बुलाते हैं, है ना। गुरुजन जितने होते हैं, तो कोई बोलता है जी मुझे गुरु, कोई कहते हैं हम गुरु जी हैं, है ना। कोई सदगुरु हो जाते हैं, कोई विश्व गुरु हो जाते हैं, तो गुरु तो गुरु ही है। कोई डिजिटल गुरु घंटाल भी हो जाते हैं, ऐसे भी लोग। सबका अपना अपना तरीका रहता है याद करने। सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी आपने जैसे अभी बताया कि मेडिटेशन करना चाहिए, तो मैं मेडिटेशन करता हूं तो मुझे कुछ ऐसा फील होता ही नहीं है सर। मान लीजिए मैं आधा घंटा भी गुड। बैठा हूँ हाँ तो सेम स्टेट में ही बैठा रहता हूँ मैं, कुछ ऐसा नहीं होता, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो रहा है या कहीं मैं ट्रेवल कर रहा हूँ या कुछ और डिफरेंट फील हो रहा है, तो मेडिटेशन फिर किस वे में करूँगा? देखिए, कोई शराबी हो ना उससे पूछो, जब उसने पीना शुरू की थी तो एक पैग लगाता था और नशा हो जाता, अब वो आदतन हो गया है, अब वो एक बोतल खत्म कर जाता है, उसे नशा नहीं हो। इट इज जस्ट अ पावर विच यू ग्रैब, आपने सहन शक्ति कितनी पाली। इसके दो ही मतलब हो सकते हैं, या तो आपका ध्यान एब्सोल्युटली लगी नहीं, ठीक है, इसलिए आपको कोई फील नहीं हुआ। दूसरा ये होता है, आपको ध्यान में जाने के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ता है। व्हेन यू आर इन अ मेडिटेटिव स्टेट, तो भी आप इस संसार से कनेक्ट रह सकते हो एट द सेम टाइम। जैसे जितने भी संत महात्मा लोग होते हैं, आपको देखने में लगेगा ये चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपको ऐसे ही लगता है ना, नॉर्मल दिन चल रहे हैं, अपने बिता रहे हैं, आपको ऐसे ही लगता है जी ना। बट दे आर कॉन्स्टेंटली इन अ मेडिटेटिव स्टेट, उनकी ब्रीद 1 मिनट में 12 से ज्यादा किसी भी स्टेज में नहीं चलती, राम गुरु जी, वो लगातार नियमित एक एक स्टेज है, मेडिटेशन की एक स्टेज है, वो उसी में रहते हैं। उनको उसमें रहने के लिए एफर्ट नहीं करना पड़ता। आपको लगेगा यार ये तो नॉर्मल है, इसमें तो ये कुछ कर ही नहीं रहे, लेकिन वो हमेशा ध्यान अवस्था में होते हैं। उनको कब ध्यान में जाना है, कब ध्यान से बाहर आना है, ध्यान में रहते हुए भी सामने वाले से कैसे बात करनी है, ये दोनों काम एक साथ हो सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकते, बड़े आराम से हो सकते हैं, लेकिन हर एक का नहीं होता। तो इसके दो ही रिजल्ट हो सकते हैं, या तो आप बिल्कुल ही ध्यान में नहीं हो, या आप इतने परफेक्ट हो कि आप ध्यान में भी हो और सांसारिक बातों में भी आप इतने ही उसमें इन्वॉल्व हो सकते हो। ठीक है, तो मैं डिफरेंट इस समय में आप कैसे? लोगों के साथ बैठा हूं, बात कर रहा हूं, आप लोगों से इंटरैक्ट कर रहा हूं, आपके सवालों के जवाब दे रहा हूं, बट एट द सेम टाइम आई कैन बी इन अ मेडिटेटिव स्टेट। ये हो सकता है, दिस इज प्रैक्टिस, है ना। तो जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, जब आपको बोतल पीने की प्रैक्टिस हो गई, फिर नशा काम नहीं करता, दिखता नहीं, आप अपने अपने आप में उसको ऑब्जॉर्व कर लेते। ये राम नाम का नशा है, ईश्वर का नशा है, नशा तो नशा ही होता है ना, इसीलिए इसको नशे से समझाया। और इसी स्टेट को पाने के लिए बहुत से साधु महात्मा संत जो हैं वो ड्रग्स का इस्तेमाल भी करते हैं। जी आपने देखा होगा अक्सर हमारे साधु संत जो हैं वो चरस पीते रहते हैं, भांग पीते रहते हैं, गांजा पीते रहते हैं। अगर आप लोगों ने हरिद्वार ऋषिकेश में या इलाहाबाद में संगम में जा गए होगे, कभी बनारस में गए होगे, तो आपने ये बड़ी आम बात देखी। वो एक ना स्टेज है, यहाँ पे वैक्यूम है। तो जितनी भी इस तरह की नेचुरल ड्रग्स हैं, ये हर्बल ड्रग्स हैं, भांग धतूरा जो है ये हर्बल ड्रग्स हैं, ये जो बाकी जो आजकल आती हैं ये सिंथेटिक ड्रग्स, दोनों में फर्क होता है। पुराने जमाने में भांग धतूरा ही हुआ करता था। तो ये लोग अपनी जो नेचुरल, इसको जो अगर हम कहें कि ये नेचुरल ड्रग्स हैं या हर्बल ड्रग्स हैं, इनको लेके वो वैक्यूम पाना चाहते हैं, तो वहां पे मेडिटेटिव स्टेट में पहुंचना आसान हो जाता है। और एक ड्रग्स लेने वाला बंदा भी मेडिटेटिव स्टेट में होता है, ड्रग्स आसान, वो वैक्यूम में है ना, जीरो में कहीं ना कहीं घूम रहा होता है, थोड़ी बिल्कुल देर के लिए तो वो शून्य में चला जाता है ना, उसको ठीक फर्क नहीं पड़ता उसके हाल क्या हो रहे हैं, उसके कपड़े कहाँ जा रहे हैं, वो किस अवस्था में है, कौन सी जगह पे है, किन लोगों के बीच में है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही साधु जब मेडिटेटिव स्टेट में जाते हैं तो उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके आसपास क्या है। ठीक है, बट दैट डजंट मीन कि आप मेडिटेटिव स्टेट में जाने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल करने लग जाओ, ऐसा मत करना। मैं एक बात बता रहा, दोनों का काम एक ही है, आपको उस जीरो वैक्यूम पे पहुंचाना है ना। शून्य तो में आपका पहुंचाना। आपका हाँ शून्य को छूना, तो आपका स्टेज क्या है वो आप ही जान सकते, ये दूसरा कोई नहीं बता सकता कि आप वाकई में जीरो स्टेट में रहते हो। हाँ, ये फेक है, नो बडी कैन जज यू, ना मैं जज कर सकता हूँ ना और कोई जज कर सकता है, ये सिर्फ आप ही चेक कर सकते, है ना। तो कभी भी किसी को ये कहना कि तुम नौटंकी करते हो, नाटक करते हो, तुमसे होता कुछ नहीं, ये सब गलत बात, वो जो करता है उसी को पता है क्या है। हाँ जी हर्ष, सर एक सोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन था। अभी रिसेंटली मैंने परचेज किया था कोर्स, हाँ छोटा सा टेक्निकल क्वेश्चन है उसका। जो आपने पीडीएफ हमें प्रोवाइड करी थी तिथि की, तो उनमें राशियाँ भी लिखी हुई थी, तो जो हर महीने जैसे राशि चेंज होती है सूर्य के हिसाब से, तो हमें वो भी देखना पड़ेगा उसमें। नहीं, वो टेबल में इनबिल्ट है, आपको अलग से नहीं देखना, वो टेबल ओके उसी तरीके से डिजाइन की गई है कि आपको और कुछ ना देखना पड़े। सर, एक क्वेश्चन और। जैसे आप ये मैंने देखी वीडियोस, तो ऐसा लगा थोड़ी कुछ ज्यादा ही एडवांस चीज हाथ में आ चुकी है। मैं अभी इतना कैपेबल नहीं हूँ कि इसको टेक इन कर सकूँ। तो ऐसी क्या चीज़ है जो गलत हो सकती है इसको यूज करने के लिए, कुछ प्रिकॉशंस जब बताना चाहे? नहीं, गलत कुछ नहीं है, गलत कुछ भी नहीं है उसमें। और जो लास्ट में जो दो चीजें बताई हैं, आखिरी दिन जो बताई हैं, उनका इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना, बस इतना सा है, क्योंकि मिस यूज ऑफ पावर क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू एंड अदर्स ऑल्सो, है ना। यस वो यहाँ पे हम नहीं उसको डिस्कस करेंगे कि क्लास में हमने क्या बताया है, क्या किया है, बट आपको पता है आपने कोर्स किया हुआ है, तो वो चीज जो है थोड़ा सा हैवी वेपन इन योर हैंड है, उसको बहुत सोच समझ के ध्यान से यूज करना, ऐसे ही यूज मत करना। ओके सर, ठीक है, थैंक सर यू इज अ सर। फैंटास्टिक कोर्स,
स्वर जो लोग कर लेते हैं उनको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ती जल्दी। जी हाँ सर। जी सर सुचित्रा जय, जी, सर जय जगन्नाथ। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब हम मिलान करते हैं दोनों कुंडली में, तो उसमें भक्कुट कितना मैटर रखता है? क्योंकि कभी कभी 26 गण मिल जाते हैं, 29 गण मिलते हैं, परंतु भक्कुट नहीं मिलते हैं। क्या वहाँ हम लोग हाँ कर देना जो सही है देखिए ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। सर? अगर आप मेरे से पूछ रहे हो तो मैं आपको पता है क्या बोलूंगा, सर मैं ये बोलूंगा कि ये मिलान विलान का जो तरीका है ना, ये ही अपने आप में एक फ्रॉड है। ठीक है, आप कितना ही मिलान कर लो, मेरे बच्चे हैं वो सब हंस रहे, देखो आप कितना ही मिलान कर लो, मत्थे वही लगेगा या लगेगी जो आपकी पत्री में लिखा है। आप मिलाते रहो, भ्रगुट मिलाते रहो, गण मिलाते रहो, गुण मिलाते रहो, ये मिलाते रहो, वो मिलाते रहो, जो चाहो मिलाते रहो, लेकिन आपकी जिंदगी में जिसने आना है आएगा वही, और जिसने आना है उसका चेहरा आपकी पत्री में होता है। मैं बात कर रहा हूं चेहरे की। हाँ जी, इफ वो तो सर समबडी इज है। ए गुड डिजाइनर, इफ समबडी इज गुड इन पेंटिंग, ही कैन ड्रॉ योर स्पाउस फेस फ्रॉम योर चार्ट। सर आपकी पत्री से आपके स्पाउस का चेहरा बनाया जा सकता है। तो जब इतना कुछ डिसाइडेड है तो फिर आप क्या मिला रहे हो? बट सर यही होता है ना कि एक ज्योतिष के पास जब इतना भाव के साथ विश्वास के साथ कोई आता है, तो हमारे हाथ से गलती ना हो आप गलत तो कर ही रहे हो। सर, तो मिलान नहीं मिलान मिलाना चाहिए। इज ए फ्रॉड, मैं तो बोल ही रहा हूं, पत्री मिलान इज ए फ्रॉड। पत्री मिलान की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि आपके मिलाने से दुनिया में ना तो किसी की शादी होने वाली है, ना किसी की शादी रुकने वाली है। जिसकी जिससे होनी है उससे ही होगी, वो ऑलरेडी डेस्टिनी में डिसाइडेड है। यू आर जस्ट मेकिंग मनी फ्रॉम दिस थिंग, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। मेरे जो बीएनएन के स्टूडेंट है वो सब जानते हैं। आज दोपहर का सेशन हमने किया था, एक लड़की पैदा हुई, आज वो 6 महीने की है। मैं बता सकता हूँ 6 महीने की बच्ची को कि इसका हस्बैंड क्या प्रोफेशन करता होगा। जब वो बच्ची पैदा हुई है उस दिन बता सकता हूँ कि आज से 30 साल, 20 साल, 25 साल के बाद जिससे भी इसकी शादी होने वाली है वो क्या प्रोफेशन करेगा। आई कैन टेल यू फ्रॉम दैट डे। क्यों? डेस्टिनी ने ऑलरेडी लिख दिया है। पर आप क्या कर रहे हो? यू आर जस्ट मेकिंग मनी। सर एस्ट्रोलॉजी आई में एम पैसा एन बनाने का धंधा ये सबसे बढ़िया है, पत्री सर मैं एक मिलान। सोशल वर्कर हूँ, मैं तो नहीं लेती हूँ, सोशल वर्कर हूँ, बट ये जानना जरूरी था आप लेते कि हो नहीं लेते हो इससे मेरा वास्ता हाँ नहीं है, मैं तो ओवरऑल इस सिस्टम की बात कर रहा हूं। या ये जो पत्री मिलान करते हैं ये सिस्टम ही गलत है, ये फ्लॉड है। सर अभी तो बहुत ज्यादा हो गया है, पता नहीं क्या क्या ये इंस्टा में आ रहा है और सब में आ रहा है पता नहीं, बट इसको काफी बिजनेस बना दिया गया और रियलिटी को हाँ पहचानना बहुत मुश्किल है सर। नहीं कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं। उनसे एक बार ये मेरे बच्चे, पूछना है, मेरे बच्चे एक छत्तीसगढ़ मिनट में निकालते हैं, एक मिनट में होते निकाल देते हैं हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ये 36 गुण होते क्या हैं? किसी भी शास्त्र के अंदर हमारी 64 कलाएं, 14 या 16 कलाएं होती हैं, और इसके ऊपर जब मैं फंस गया तो लगातार काम किया मैं 100 पत्रियां वो। छोड़ दो प्रवीण जी, अब वो एक कंट्रोवर्सी हो जाएगी बिना मतलब की। 32 गुण में फिर कोई लिस्ट लेके आ जाएगा कि ये वाले 32 गुण होते हैं, फिर आप कहोगे ये वाले नहीं, ये वाले होते हैं, फलाने शास्त्र में ये लिखा, ढिकाने शास्त्र में वो लिखा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिखा हो, उसको छोड़ दो। मैं ये बात करता हूं कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों के 36 में से 36 गुण मिल जाए तो क्या होगा, बताओ? बहुत दो तकलीफ लोग होगी गुण में, सर। हाँ सोलमेट होंगे, सोलमेट तो होंगे, बट राम सीता की मिली थी तो वही है कि कहीं ना कहीं सोलमेट होंगे बट प्रॉब्लम फेस करेंगे। नहीं, एक बात करो, या तो सोलमेट होंगे या प्रॉब्लम फेस करेंगे, दोनों बातें कैसे हो जाएंगी? सर दुनिया में आके प्रॉब्लम तो फेस करना ही पड़ेगा, और सोलमेट है तो कभी डिवोर्स नहीं हुआ, कुछ भी परिस्थिति में मुझे हो ज्योतिषियों की जब प्रिडिक्शन पूछो तो फिलॉसफी झाड़ना, और जब फिलॉसफी पूछो तो प्रिडिक्शन देना, इसी से मेरे को प्रॉब्लम टकराव हो जाएगा दोनों है। एक में। नहीं आदमी नहीं आया है प्रिडिक्शन लेने के लिए, आप उसको फिलॉसफी बता रहे हो।
ये जो ये है ज्योतिषियों का घुमाना, दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए ज्योतिषी क्लाइंट को अपने ऐसे गोल 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 बेवकूफ बनाते हैं, यही करते हैं। सीधी सीधी बात बोलो भाई, इनकी शादी जमेगी कि नहीं जमेगी? शादी जमेगी कि तलाक होगा? नहीं, है तो राम सीता की जोड़ी लेकिन सुख नहीं है, तो फिर काहे की राम सीता की जोड़ी? सर आप अपनी ये ओपिनियन बेवकूफ बताएं। बनाने, ये बेवकूफ बनाने का धंधा है, बहुत बढ़िया धंधा है, पत्री मेकिंग, मैच मेकिंग, हाँ दिस इज द बेस्ट प्रोफेशन एनीबडी कैन हैव, सर आप है ना अपनी सर? ओपिनियन बताइए। मैं तो क्लास में बता ही चुका हूँ, 100 बार बता, मैं तो बता ही रहा हूँ, अभी भी बता रहा हूँ कि सर मैच मेकिंग गलत मेथड है। डेस्टिनी ऑलरेडी डिसाइडेड हु इज गोइंग टू बी योर हस्बैंड, हु इज गोइंग टू बी योर वाइफ, इट इज ऑलरेडी मेंशन इन योर चार्ट। यस बताने वाले वाइफ का या हस्बैंड के नाम का पहला अक्षर भी बता देते हैं, हस्बैंड क्या काम करेगा ये मैं भी बता दूंगा, उसका प्रोफेशन क्या होगा, उसके पास पैसा क्या होगा, कितना होगा, ये मैं भी बता दूंगा। तो जब इतना कुछ लिखा हुआ है तो आप कौन हो? राइट आप हो पैसा लेने वाले, आए हैं तो लेके जाओ, है ना? मैं सही, इंडिविजुअली आपको नहीं कह रहा, नो नहीं मैं सर, इस पूरे इस मैकेनिज्म, इस ये जो सिस्टम बना हुआ है ज्योतिष का ना, मैं इस पे बात कर, ठीक है? और लोग पढ़े तो पढ़े, कम से कम जो बच्चे मेरे टच में आए हैं वो इस मैच मेकिंग विधा से अपने आप को दूर रखें। राम सीता की जोड़ी, राम सीता की जोड़ी, राम सीता की जोड़ी में वैवाहिक सुख कहाँ था मुझे बता दो। लेकिन अपने बच्चे के लिए हम जो देखेंगे शादी के लिए जोड़ी, तो कहेंगे भगवान करे इनकी राम सीता जैसी जोड़ी हो। अरे यार क्या है, मतलब भक्ति से आप कह रहे हो तो मुझे समझ में आता है, बट यू रियली वॉन्ट योर डॉटर हैव अ फेट लाइक सीता, चाहते हो आप? नहीं सर, कौन सा माँ बाप चाहता है बता दो मुझे। तो नहीं कोई भी नहीं। फिर वो राम सीता की जोड़ी, अरे राम सीता की जोड़ी, अरे राम, वो क्या है फिर? ये लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका है, इमोशनल पूल बनाने का तरीका, और कुछ नहीं। मैच मेकिंग इज अ टोटली फ्लॉड कॉन्सेप्ट। आई कैन टेल यू एवरीथिंग अबाउट योर स्पाउस इज ऑलरेडी रिटन इन योर डेस्टिनी एंड योर चार्ट। आप कौन होते हो मैच मेकिंग करने वाले भाई? ऐसे नहीं होता, जिसने आना है वो आएगा या आएगी। सर मैं भी वही देख रही हूँ कि मैं मेरी लव मैरिज में 30 इयर्स हो गया और 19.5 ही है और मेरा डिवोर्स नहीं हुआ, बट 28 पॉइंट वालों का डिवोर्स हो जाता है आप लोगों के फॉर्मूले ही गलत है। सर। इस बेस पे कि गुण मिलान से डिवोर्स होगा, ये फॉर्मूला ही गलत है, आप दो गलत चीजों को जोड़ रहे हो। राइट मैं चार गुण मिलान वाले दिखा दूंगा, फर्स्ट क्लास लाइफ बिता रहे हैं, और 32 गुण वाले कोर्ट में खड़े 6 महीने के बाद शादी के, तो क्या हाँ करोगे आप जिस फॉर्मूले से जो कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हो वो फॉर्मूला ही गलत है, वो ड्रॉ जो आप कर रहे हो ना वो गलत है। तो अपने आप को करेक्ट करो। एस्ट्रोलॉजी के नाम पे लोगों ने बहुत बेवकूफ बनाया सही और आज भी में खूब बना रहे हैं, मेरे स्टूडेंट नहीं बनते, मैं सिखा देता हूँ उनको सब कुछ। थैंक यू सर, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन था, अगर हमें सपनों में सर अगर डेड पर्सन नहीं आते भाई, हैं लेकिन सपने नहीं, सपने का मुझे नहीं पता, ठीक, सपने का मुझे नहीं, जो नहीं पता सो नहीं पता, आई एम नॉट मास्टर ऑफ। ओके ओके सर। सर सर अब मांगलिक समझा दो क्या होता है, बहुत लोग पूछते हैं कि मांगलिक बहुत नॉन बढ़िया मांगलिक क्वेश्चन, शादी कर बहुत दे बढ़िया तो क्वेश्चन, लोग तो बहुत ये भी बढ़िया कहते हैं क्वेश्चन। कि डेथ हो जाती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए हमारे जो बड़े थे जिन्होंने ये सारे शास्त्र लिखे हैं, वो पहली बात तो बहुत समझदार थे, तभी ऐसे शास्त्र लिख पाए, है ना? और वो बहुत ओपन माइंडेड भी थे, वो नैरो माइंडेड नहीं थे, वो कंजर्वेटिव नहीं थे, वो बहुत बोल्ड थे। दुनिया में अकेला हिंदुस्तान एक ऐसा देश है
जहां पे सेक्स के ऊपर बाकायदा एक ग्रंथ लिखा गया, विच इज नोन एज काम शास्त्र। हम उसको शास्त्र बोलते हैं, पॉर्न नहीं बोलते। ठीक है, ये हमारे हमारे हिंदू धर्म की एक क्वालिटी है। हमारे यहाँ उसको पाप की दृष्टि से नहीं देखा जाता। एक हस्बैंड वाइफ के बीच में फिजिकल कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। दे शुड लाइक ईच अदर्स बॉडी व्हेन दे हैव सेक्स, अदरवाइज दे विल नॉट एंजॉय द मैरिड लाइफ। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट होता है ना ऐसे? राइट तो अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में ये इक्वेशन नहीं होगी तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब पंडित जी ये सब बातें आमतौर से जनता से नहीं करते। ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं है, हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो, क्योंकि आजकल पंडित भी ऐसे ही बन जाते हैं बिना कुछ जाने पहचाने। लेकिन जिनको पता भी है वो भी समाज में इस तरह की बातें हमारे यहाँ नहीं करते। होता क्या है, होता ये है कि अगर हस्बैंड वाइफ में से एक मांगलिक है और एक नॉन मांगलिक है, तो जब दोनों की शादी हो जाएगी तो दे विल नॉट हैव अ वेरी गुड गुड सेक्स लाइफ इन देयर लाइफ। उसकी वजह से मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होंगी वो होंगी। ठीक है, सो यू विल हैव अ बैड मैरिड लाइफ बिकॉज ऑफ योर फिजिकल रिलेशन विद योर स्पाउस। दिस इज कॉल्ड मंगल। ठीक है, मांगलिक दोष, मंगल मैच नहीं करना, ये सब चीजें होती हैं। मंगल इज बॉडी, आप समझो ना उसको। मंगल क्या है? शरीर है। मंगल दोष मतलब शरीर का दोष। मंगल से ही नहीं समझ में आ रहा आपको? अगर आप उसको ट्रांसलेट करो, हमारे यहाँ शरीर को किससे देखते हैं, कौन सा प्लैनेट होता है? मंगल ही होता है ना। मांगलिक दोष में क्या होगा? देयर इज नो फिजिकल कंपैटिबिलिटी बिटवीन द टू, दैट इज कॉल्ड मंगल दोष। मर जाता है, जी जाता है, अरे कहानी है यार बेकार की। ना कोई मरता ना कोई जीता। मेरी शादी को आज 23 साल हो गए, 24 साल हो गए। ठीक है, मैं पक्का मांगलिक हूँ, मेरी वाइफ नहीं है, हमारा तो डिवोर्स नहीं हुआ, ना कोई मरा आज तक, दोनों ही बैठे हैं। ये बेकार की बात, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक इश्यू है, किस लिए है, क्या है उसके पीछे सीक्रेट क्या है, आप उसको समझो, एंड देन देयर इज अ रेमेडी टू रिजॉल्व। ठीक है, मंगल का भी बड़ा भ्रम, शादी बारात वाले, शादी वाले घरों में बेचारे लोगों को इतना पंडितों ने परेशान कर रखा है ना, अजीब अजीब सी बातें, भ्रकुट मिलान अभी। अरे छोड़ो मैडम, हमारे यहाँ नहीं होता। आवर एस्ट्रोलॉजी इज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। मेरे यहाँ नौटंकी नहीं सिखाते हूँ, बल्कि नौटंकी कैसे खत्म करनी है इसके लिए इंस्पायर करता हूँ मैं। इस प्रोफेशन को ऐसे ही लोगों ने बदनाम कर दिया। सर, इसमें भी इन्होंने लाइक वैदिक में स्पेसिफाई किए हुए हैं हाउसेस, कि इन हाउसेस में जो लाइक 2 7 2 4 7 8 एंड 12 में अगर हो, तो उसमें फिर 4 7 8 तो समझ आता है कि चलो प्राइवेट पार्ट्स एंड वो हो जाता है, लेकिन 4th में भी क्यों कंसिडर करते हैं, और लगन से भी? हम तो मानते ही नहीं ना, मैंने तो बोल ही दिया, मैं तो मानते ही नहीं, मैं क्या बताऊं क्यों, वो क्यों कंसीडर करते हैं, उनको पता होगा, हम तो मानते ही नहीं। अगर शादी दो लोगों की इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि उनमें मंगल दोष है, तो ये गलत है। अगर आप इस डर से नहीं शादी कर रहे कि दोनों में से एक निपट जाएगा, तो ये डर आपका गलत है, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, फिर वो कहते हैं क्या कि देखो पत्नी तो बीमार रहती है ना। अरे पत्नी तो और भी बहुत सारी चीजों से बीमार रह सकती है, उसमें मंगल को ही दोषी क्यों ठहराते हो भाई, है ना? इफ यू हैव अ रेट्रोवीनस योर वाइफ विल सफर, वो भी तो कारण है, उसको क्यों नहीं गिनते हो? तो वो अलग अलग कारण हो सकते। अब हर एक की जिंदगी में कहीं ना कहीं तो खालीपन है ही है। कौन सा ऐसा है आदमी जो कहे जी मेरा एवरीथिंग इज वेरी गुड वेरी नाइस आई हैव नो इश्यू, ऐसा कोई है आप में? कोई नहीं मिलेगा। नहीं, नहीं। अरे धरती पे हो ही नहीं सकता, आप धरती पे आए इसीलिए हो क्योंकि कुछ ना कुछ तो भोगने आए हो ना।
इसीलिए मैं मैच मेकिंग नहीं करता। आई कैन टेल यू व्हाट योर हस्बैंड इज गोइंग टू डू इन हिज लाइफ बिफोर मैरिज फ्रॉम योर गर्ल्स चाइल्ड गर्ल चार्ट। बच्चा जब 6 महीने का, क्या 6 घंटे का हो मैं तब बता दूं? पत्री तो बन गई ना, बच्चा 6 मिनट का हो पत्री तो बन गई। पत्री बनते ही पता लग जाएगा इसका हस्बैंड कौन होगा, कैसा होगा, क्या होगा, क्या करता होगा, कौन से बिजनेस में करता होगा, कहाँ से पैसे कमाता होगा, सब दिखता है। सर एक सीखने प्रश्न वाले था, बहुत सीखने। मंगल की बात छेड़िए तो शनि मंगल की युति के बारे में भी जरा बताइए। शनि मंगल वालों की मैरिड लाइफ में दिक्कत होती है। इफ यू हैव अ सैटर्न एंड मार्स कॉम्बिनेशन इन योर चार्ट देयर हैज टू बी अ मैरिड लाइफ प्रॉब्लम। और आप देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो थोड़ा अलग ढंग से मैं कई बार पढ़ाता हूँ। मैं अक्सर बोलता हूँ एक बार कि पत्री से कुछ देखा तो क्या देखा, बिना पत्री के देखो तो बात, पत्री से तो दिख ही जाएगा, बिना पत्री के बताओ तो बात है। आप गए किसी के घर, आप लोगों को एक सूत्र बताता हूँ। आप गए किसी के घर, आपने देखा रसोई है, रसोई के ठीक सामने डाइनिंग टेबल लगी हुई। अक्सर ऐसा जी होता है ना, किचन के सामने डाइनिंग टेबल लगी होती है। जिस घर में किचन के सामने डाइनिंग टेबल लगेगी उनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होगी ही होगी, 101% होगी। ज्वाइंट फैमिली है तो उस घर का जो छोटा बेटा है उसको प्रॉब्लम होगी। अगर किसी के घर में किचन के सामने डाइनिंग टेबल है और ऐसी दिक्कत नहीं है तो मुझे बता दो। क्या ऐसा मत कहना कि हमारे घर में तो डाइनिंग टेबल है ही नहीं किचन के सामने, ऐसा मत बोलना। होगी तो जरूर। किसके घर में है? सर मेरे आगे है, लेकिन वो बताओ सर, फैमिली, मेरे हैं तो आगे हाँ बोलो। फैमिली लाइफ ठीक है, शनि हाँ मंगल भी इकट्ठा है पर फैमिली लाइफ भी ठीक है। सर, अब टॉपिक ऐसा है कि हम इस पे ज्यादा बात नहीं करते, तो आपकी बात को मैं एक्सेप्ट करूँ। नॉन के उसमें है सर, हाँ नॉन फ्रेंड तो उसमें है, हाँ और किचन के सामने डाइनिंग रूम है, और उनका छोटा भाई आउट ऑफ रूम से बात बोल रहा कर है। संतोष जी म्यूट रखिए। जी सर, आशीष जी सर, उनका मेरा फ्रेंड के नॉन में है, किचन के सामने डाइनिंग रूम है, और उनके घर में उनका छोटा भाई है, उनके वजह से प्रॉब्लम है, थोड़ा आउट ऑफ रूट चले गया है। बिल्कुल होगी, 100% होगी जी सर, सर। मैं क्यों बोल तो होगी रहा ऐसा, हूं क्यों? अब ये है तो है, मैं बता तो रहा हूँ क्यों, तो फिर क्लास में आप कुछ ना बताएंगे कुछ क्यों। लॉजिक तो होगा ना सर, ऐसा नहीं है। आप लॉजिक बताते हैं, आप लॉजिक बताइए। अरे ये होगा तो होगा ऐसा, आपकी घर में किसी की पत्री नहीं है मान लीजिए, या आप मुझे गलत पत्री देना चाहते हो, ऐसा भी तो हो सकता है। बहुत से लोग होते हैं जो अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ नहीं देते, बट आई इफ आई विजिट इन देयर हाउस आई कैन क्रॉस चेक कि द गिवन चार्ट इज राइट और रॉन्ग। जो चार्ट दिया है वो सही है या गलत है मैं घर में घुस के बता दूंगा। आपके घर का डिजाइन, जिस घर में आप रह रहे हो उस घर का डिजाइन और आपकी पत्री का डिजाइन एक ही होगा तो राइट है, नहीं तो रॉन्ग है। सिंपल है ना? तो वो जो डिजाइन मैच कराना जिसको आता है वो करा लेगा, ओके नॉट एस्ट्रो वास्तु, लगेगा नॉट एस्ट्रो वास्तु, वास्तु दिस इज कॉल्ड भृगु सर, वास्तु, वास्तु। ओके दिस सर, इज कॉल्ड भृगु वास्तु। डाइनिंग टेबल जो किचन के गैस के सामने हो वो बोल रहे हो आप, या कोई साइड में भी होती है? बिकॉज मोस्टली ओपन किचन में आजकल डाइनिंग टेबल सामने ही रखते हैं।
उनके घर में मैरिड लाइफ इश्यू 101% होगा। गैस के सामने फेस कर किया हुआ डाइनिंग अरे मैं टेबल, कह रहा हूँ किचन में होने चाहिए, किचन के सामने हो, गैस इस पाइस इस साइड रखी है उस साइड रखी है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। किचन के अंदर। गुरुदेव प्रणाम। किचन और टेबल, डाइनिंग टेबल आमने सामने होनी चाहिए। किचन के अंदर बर्नर कहाँ रखा है, सिलेंडर कहाँ रखा है, वो उसका मुंह इस तरफ है कि उस तरफ है, छोड़ दो सारी बातें, कोई मतलब नहीं है उन बातों का। आप रास्ता ढूंढ रहे हो कि कहीं इधर से बच जाए, कोई उधर से नहीं बच जाए, तो मैंने कोई कोई एक्चुअली नहीं किसी के बचेगा। घर में देखा है ऐसा, एंड उनके में ये कॉम्बिनेशन भी सैटर्न मास का देखा है, बट डाइनिंग टेबल नहीं है, वो किचन के सामने बैठ के खाते हैं किसी अरे एक ही के। बात है ना, जहां बैठ के खाते हैं वो डाइनिंग एरिया हो गया ना, आप उसको यस डाइनिंग टेबल से ही क्यों जोड़ रहे हो, डाइनिंग एरिया से जोड़ दो। सर, लेकिन जैसे यहाँ पे तो घरों का आउटलेट ही, मतलब वो डिजाइन ही इस टाइप का है कि किचन और डाइनिंग एरिया ऑलमोस्ट एडजेसेंट ही रहता है, तो ये तो बहुत अनअवॉइडेबल सिचुएशन हो गई। अच्छा जो मैं कह रहा हूँ वो भी तो बड़ी अनअवॉइडेबल सिचुएशन है। तो ये तो ऐसे हो गया जैसे सिचुएशन डेवलप हो गई डाइनिंग टेबल लाने के बाद, ऐसे हो गया। प्लैनेट अपना काम करता है, प्लैनेट माय गॉड। को जब अपना रिजल्ट बड़ा देना मुश्किल। होगा, वाइफ कहेगी चलो जी डाइनिंग टेबल लेके आओ, उसे क्या पता अपना डिवोर्स बुला रही है वो। तो डिवोर्स नहीं देखा, बट किचन देन में बैठ दे के हैव खाने इश्यू। खाने डिफिकल्टी इन मैरिड, अभी उसको यस इतना ही है ना, राइट। ब्रॉडर ब्रॉडर वे में वी कैन कीप लाइक दिस कि मैरिड लाइफ में दिक्कतें शुरू होगी कब से, जब से डाइनिंग टेबल आया किचन के सामने, तब से इनसे रोज मेरा झगड़ा जब होता से जमीन पे बैठ के खाना खाए तब से। है, तब ठीक हो जाएगा, फिर ओके ठीक हो जाएगा, सर, यही ऐसे रेमेडी लोग, है इसकी। सर ऐसे लोग साइड पे भी कर सकते हैं उसको, किचन से हल्का सा साइड पे सरका लें ताकि बिल्कुल सामने ना पड़े। तो देखो इक्वेशन समझो, कहीं तो रखोगे ना, अगर सामने है तो ये होगा, अब कहाँ रखते हो क्या रखते हो आप चलो, दैट इज कि नॉट माय किचन बिजनेस, के फ्रंट से हटा लिया जाए उसको, वो बेटर बस है। ठीक है इतना सही और कुछ ही नहीं। जी सर, जैसे आप उसके मंगल बाद के लिए लेफ्ट रखते हो, राइट रखते हो, अप रखते हो, डाउन रखते हो, दैट इज अनदर इशू। ठीक है सर, जैसे मंगल के लिए अगर हनुमान चालीसा करते हैं, वो मंगल को शांत करते हैं या एग्रीवेट करते हैं, या मान लो बजरंग बाण किया तो एग्रीवेशन के लिए होते हैं या शांत करने के लिए होते हैं? अच्छा एक बात बताओ, मैं आपको गाली दूं, आप शांत होगे कि अग्रेशन में आओगे? तो कि वो एग्रेशन है गाली कौन देता है? अरे जो गाली देता है वो भी तो अग्रेसिव है ना। हाँ जी, अग्रेसिव आदमी गाली दे रहा है और आपका अग्रेशन बढ़ रहा है, इज इट राइट और रॉन्ग? यस। वो तो बढ़ेगा राइट। तो बस फिर ओके अच्छा, यानी कि जो भी सर ये जो फिर बीज मंत्र करते हैं ये सब चीजें उसको उसकी पावर को बढ़ाती हैं फिर। और क्या, ओके सर, और क्या होता है आप बता दो। पता नहीं मेरा मंगल 8 है और पता नहीं मेरे से कोई बजरंग बाण करवा रहा है, कोई हनुमान चालीसा करवा रहा है, कितने साल होते हैं। अभी तो आप कह रहे थे सब कुछ ठीक ठाक है। नहीं वो फैमिली वाले में ठीक है, वो पार्ट बचा हुआ है। थोड़ा सा वैसे भी मैंने खाली जब से बचा आपसे शुरू किया मैं जमीन पे बैठ के ही खाता हूँ। हाँ वो अच्छा था, वो मैं बहुत अच्छा 5-6 महीने था। हो गए तो जमीन पे बैठ के ही खाता हूँ। वो अच्छा था। तो सर जैसे वो कहते हैं कि राहु को शांत करना हो तो भी किचन में बैठ के खाना चाहिए जमीन पे, तो वो सही है या वो भी? बिल्कुल सही है ना। ओके तो पहले तो सभी लोग जमीन पे खाते थे, ये तो हाँ सर, जब से दैनिक जमीन की वर्ष जगह डाइनिंग टेबल आ गई तभी टेबल से तो ली है बीमारियां आई हैं। बीमारियां शुरू हुआ है। हाँ जी आई तब है जब डाइनिंग टेबल आए घरों में। बिल्कुल सही, अगर हम पीछे नोटिस करें तो पहले सब जमीन पे खाते थे और हम किचन में बैठ के यस खाते थे छोटे होते हुए। ना, जी यही तो मैं सबको क्या बोलता हूँ, एक रेमेडी जो सब लोग कर सकते हैं, जी जमीन पे बैठ के खाना खाइए। अगर रसोई में आपके जगह है, आप रसोई के अंदर बैठ के खा सकते, तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। लेकिन शहरों में जी तो रसोई इतनी छोटी हो गई कि औरत के अलावा कोई और घुस नहीं सकता वहां पे, एक के अलावा। जी
वो एक प्रॉब्लम हो गई। पहले जी गांवों में बड़ी बड़ी रसोई होती थी, बच्चों हाँ को जी साथ बिठा के माँ खिलाती थी, अब रहा नहीं वो इतना बड़ा हाँ जी स्पेस। बिल्कुल सर, जैसे एक सर ये जो जमीन पे बैठ के खाना खाते हैं वो अगर रसोई के सामने दिख जाता है तो प्रॉब्लम नहीं है ना उसमें, तब कोई फर्क नहीं आराम पड़ता से कर सकते हैं। सर। एक सवाल पूछो, अभी 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 हमारे अहमदनगर में दो लड़के भाग के गए हैं, वो लड़कियां भगा रहे हैं, वो कौन सा देख रहे हैं उन्हें? वहां पे दो मंगल भी, मंगल वीनस राहु की होती है। अच्छा, ओ 19 साल का ही लड़का है, वो भगाया लड़की ने, आज ही भगाया और उसके ऊपर जादू टोना किया और उसके माँ बाप को पैसा मांग ब्लैकमेल कर रहा है, ऐसा दो दो केसेस हो गए हमारे इसमें इधर अपने तो पत्री ऑफिस के लाओ अंदर ना बाहर। उनकी निकाल के, पत्री अच्छा, लाओ, ऐसे तो गेस वर्क हो जाएगा ना, फिर फायदा क्या हो उसका। नहीं पत्री लाओ, टैली करें रिकॉर्ड। ओके 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 धन्यवाद सर। एक जैसे बड़ा वो शोर है सोशल मीडिया पे कि जिनके घर में नॉर्थ ईस्ट में किचन या टॉयलेट है उनके मतलब घर में कैंसर जरूर होता है, और कुछ लोग कहते हैं कि उसमें नमक रख दो फिर नहीं होता है, दो थ्योरियां बहुत वो चल रही हैं, इस पे कोई रोशनी डाल सकेंगे? यूजलेस स्टेटमेंट, राइट। ओके आई कैन शो एक यू हंड्रेड ऑफ नॉर्थ ईस्ट किचन, आई हाँ जी मतलब डोंट हैव एनी हमारा कैंसर। नहीं हाँ हाँ मतलब मेरे को सबसे लगा कि वो कह रहे सिर्फ तोड़ना ही सोल्यूशन है एक और कुछ नहीं है। मेरा एक दोस्त है, वास्तु कंसल्टेंट है खुद, उनको ये नहीं पता था कि नॉर्थ ईस्ट में किचन से कैंसर होता है। उनका पुश्तैनी घर 25 साल, नहीं 40 साल से उस घर में वो लोग रह रहे हैं और फैमिली हिस्ट्री में कभी कैंसर नहीं हुआ। जी 40 साल बाद, 50 साल बाद उसको पता लगा नॉर्थ ईस्ट किचन से कैंसर होता है। उसको पता लग गया, उसे लगा अरे यार तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने फटाफट से वहां से किचन तोड़वाई और कुछ ना कुछ और बना दिया, किचन कहीं और शिफ्ट कर दी। 1 साल बाद उसकी मदर को कैंसर डिटेक्ट हो गया। आप बताओ क्या करें। ओके जी राइट जब तक था वहां पे तब तक कोई कैंसर नहीं था, हाँ जी जब हट गया तो कैंसर डिटेक्ट हो गया। बताओ क्या कहें। जी और वो मेरे से कह रहा है सर ये तो कमाल हो गया, ऐसा कैसे हो गया। भ्रम का कोई जवाब नहीं, भ्रम तो सर, जितने मर्जी फैलाए जाओ, और सबसे ज्यादा कोई भ्रम और वास्तु में फैलाए गए, सर जैसे सबसे ज्यादा कैंसर भ्रम वहां वास्तु में फैलाए गए। पे हाँ जी सर, जैसे कैंसर बहुत केसेस बन रहे हैं आसपास, तो उसका क्या मतलब कोई उसकी रेमेडी है या कोई सब लोग गलती कर रहे हैं कोई खास? खाना सर हमारा खाना पीना बहुत खराब है। हाँ भी नहीं मेन जी नमस्कार अमनदीप, नमस्कार गुरु जी। नमस्ते बेटा, बताओ। गुरु जी मेरा एक सवाल है। मेरा जो है शनि 10वें में है और केतु 5वें में है। मेरा अरे जो बाप, मैंने एक बार कितने एक साल दो गए बेटा? सर मैं 13 साल का हूँ अच्छा, तेरे को कैसे पता शनि तेरे कहाँ है? सर, मैंने कुंडली खोल ली है, मैं आपकी वीडियोस जो है देखता हूँ, मुझे अच्छा अच्छा लगता है। चलो गुड, क्या है बताओ जरा। सर मेरा शनि 10th में है और केतु 5th में है। लाल किताब के हिसाब से एक ज्योतिष को मैंने दिखाया था, उसने बोला था कि शनि की केतु को टक्कर है। अच्छा फिर तूने क्या केतु किया? केतु नहीं बहुत ज्यादा इफेक्टेड है। तो फिर लाल किताब वालों से पूछो ना टक्कर का इलाज क्या है, बीच में खंभा लगवाएं, दीवार डलवाएं, क्या डलवाएं जो टक्कर ना हो। सर आप BNN में बताओ कैसे है। बेटा BNN में टक्कर ही नहीं होती, मैं कैसे बताऊं? अच्छा सर, सर चलो ठीक है, लेकिन एक एक क्वेश्चन नहीं और नहीं है। नहीं 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 एक मिनट बेटा, अभी बहुत छोटी उम्र है तेरी पहली बात तो, दूसरा मेरी पत्नी में ये है इससे क्या होगा, ये सवाल ही गलत है। मेरे साथ ये हो रहा है बताओ इसका सलूशन क्या है, सवाल तरीका ये है पूछो। हर पत्री में सैकड़ों योग होते हैं, ठीक है। अब हर योग को अगर तुम डिटेलिंग करने लग जाओगे, अभी तो बेटा तेरी 13 साल की उम्र है, 20 साल तक पहुंचते पहुंचते पागल हो जाएगा।
क्योंकि तब तक 20 पंडित हर महीने अलग अलग कोई ना कोई बात तेरे को बता चुके होंगे, और वो सब कचरा धीरे 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 तेरे दिमाग को डस्टबिन बना के उसमें इकट्ठा होता जाएगा। और जब 18-20 साल का होगा ना, जब काम करने की उम्र आएगी, तब तक आधा पागल हो चुका होगा। Under 18 नॉट अलाउड। ये लाल किताब की टकरें जो है ना, ये जिंदगी की टकरें बन जाएंगी। ये नहीं पता लाल सर, किताब बच्चे क्या को एक होती मिनट है, के लिए मैं गाइड मुझे करूं सर? मुझे सर लाल बच्चे किताब को एक मिनट आती के लिए मैं नहीं। गाइड करूं? हाँ करो जी, करो बिल्कुल। बेटा अमरदीप, 5th हाउस में जो केतु होता है वो पढ़ाई से डिटैचमेंट कराता है, तो इस वक्त आप अपने दिमाग से बाकी सब चीजें निकाल लो और अपनी पढ़ाई को फोकस करो, ओके सर, ठीक है? मैं वही बोल रहा हूँ, 13 साल की उम्र में ज्योतिष के चक्कर में मत पड़ बेटा, और 20 साल तक अगर आते पढ़ना आते किसी काम का नहीं रहेगा। और अगर पढ़ना भी है तो लाल किताब को और BNN को, दोनों को पैलर मत लेके जाओ, एक ही चीज को फिलहाल गुरु बनाओ, दोनों में खिचड़ी मत बनाओ, तो अभी आप कुछ मत सही। करो, अभी हाँ कुछ मत पढ़ाई पे करो, ध्यान बीस दो, साल पढ़ाई तक बीस पे। साल तक अपना एजुकेशन पे ध्यान दो, अपनी पढ़ाई करो। ये उम्र एस्ट्रोलॉजी में घुसने की नहीं है। तेरे घर वाले बेटा जो तुझे अलाउ कर रहे हैं ना, वो तेरा करियर स्पॉइल कर रहे हैं। अगर घर वालों को पता है तो बुला देना मम्मी पापा को सामने कौन है, डर के भागे बच्चा। बता 13 साल के बच्चे को इन चीजों में डाल रहे हैं। मैं ये ऐसे मत करो भाई, पेरेंट्स को परेशान रिक्वेस्ट हो ऐसे मत जाएगी करो। चले, सर। एक लड़के को आप, राजीव जी, PNN से वास्तु भी पता चलता है, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दोनों पता चलता वैसे तो आपके चेहरे से भी पता लगता है। अच्छा है, उसके लिए पत्री की भी जरूरत नहीं। हाँ जी आनंद जी, सर, प्रणाम सर। सब चीजों से सब चीजें पता लगती, बस इतना समझ लीजिए। अच्छा एक ही दूध से सारी मिठाइयां बनती हैं, हर मिठाई में दूध हो गई होगा। आप बिल्कुल, बोलो इस मिठाई से ये भी बनता है, इस मिठाई से ऐसा भी बनता है, इस दूध से ये भी बनता है, सब एक ही चीज से बनता है। हर मिठाई में राइट। चीनी फिक्स आइटम है, ठीक है ना? तो जिसको चीनी का स्वाद पता है वो तो सब ढूंढ चाहे लेगा। कोई भी, जी कोई भी फील्ड ले लो, ज्यादातर लोग इतने हैं जो भ्रम फैला रहे हैं, डर फैला रहे हैं, और उसी से उनका बिजनेस चला रहे हैं। तो हाँ एक आम एस्ट्रोलॉजी का धंधा आदमी तो चलता ही इसी से। जी, तो फिर एक आम आदमी करे क्या? मुझे तो, अब मैं सर सुन रही हूँ आप लोग सबको, क्योंकि मुझे ये सब का कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है, पर अच्छा हाँ किसी ने अच्छा बोला अच्छा था लग्न है इसमें, तो ईश्वर ये सब करे में पढ़ना नहीं चाहिए एस्ट्रोलॉजर ना। की जरूरत किसी को ना पड़े। एस्ट्रोलॉजर की जरूरत बुरे समय की पहचान है, आपको डॉक्टर की जरूरत बीमारी के समय की पहचान है। जब तक आपको अच्छा एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ रही, एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं पड़ रही, यू आर हेल्दी। तो बी प्लीज कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी, ठीक ओके है? कभी ओके, भगवान ना करे गलत समय आ जाए जब हमारे लोगों की जरूरत पड़ जाए, तभी आना, ऐसे मत आना, ऐसे आता भी नहीं कोई। अच्छा हाँ जी आनंद जी, सर, मैं पूछ रहा था, एक लड़के की शादी करनी है, तो वो लड़के वाले वो लड़की को देखने के लिए ऐसी पत्री में क्या चीज देखे, सामने वाली की पत्री में, लड़की की पत्री में, तो दो ऐसी क्या प्रमुखता से, ऐसे कौन से ग्रह या ऐसे कौन से हाउस को देखे? अच्छा ये जो लड़की आप दूसरे घर से ला रहे हैं, ये आप ही के घर में पैदा हो जाती तो क्या करते? वो लड़की के लिए भी यही पूछना है कि उसके लिए ऐसे। मैं, अरे मैं किसी के लिए भी पूछ रहा हूँ, आप लड़के के लिए पूछ रहे हो, लड़की के लिए पूछ रहे हो, ये आपके पास चॉइस है कि ये लड़का ये लड़की आपके घर का मेंबर बने या ना बने, दिस इज योर चॉइस ना। हाँ सर, लेकिन अगर ये चॉइस नहीं होती तो क्या करते, फिर पत्रियां मिलाते देखते? अब तक तो यही कर रहे थे। गलत कर रहे हैं ना, मैं तो क्या बोल रहा हूँ आपको, जिसका आना तय है, आएगा तो वही, आएगी तो वही, उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना है, वो आप शादी से पहले भी देख सकते हो, बच्चा 1 महीने का है तब भी देख सकते हो, तो प्रॉब्लम तो वहीं से दिख जाएगी। उसके लिए शादी, शादी के बाद दोनों का आना, शादी के साथ दूसरे पार्टनर का पत्री का आना जरूरी नहीं है, एक ही पत्री से पता लग जाएगा, तो जो शॉर्टकमिंग होगी उसको ठीक करेंगे, उसकी रेमेडी करेंगे। आप तो वो सब सीख चुके हो पहले ही।
बार बार है ना। टॉपिक में यही आ रहा है ना सर कि भाई गुण मिलान नहीं करना चाहिए, तो मैंने कहा भाई चलो गुण मैं मिलान तो छोड़ दिया, गुण अरे तो ये मिलान वीडियो तो जो छोड़ लोग दिया। देखेंगे ना, ये वीडियो जो लोग देखेंगे ना, वो मुझे बहुत गाली देंगे कि नहीं सर बहुत ऐसा वो उनका हमारा दुर्भाग्य तो धंधा रहेगा, ही चौपट करने पे आ गया, ये हमारा तो काम ही गुण मिलान से चलता है। वो अपने कर्म खराब कर रहे हैं ना सर। उनको करने दो, गुण मिलान जैसा, मैं ये नहीं कह रहा कुछ होता है या नहीं होता है, मैं कह रहा हूँ डेस्टाइंड है, जिसने आना है आएगा। यू आर नो वन टू इंटरफेयर इन इट, आपका दखल एक्सेप्ट नहीं है उसमें। आपके कहने से कोई लड़की वाला किसी लड़के वाले को या लड़का वाला किसी लड़की वाले को ना नहीं करने वाला, नहीं करेगा। और कर भी दिया तो फिर भी जिसने आना है वो आएगी, और उस दिन आपका दिमाग खराब हो जाएगा। बहुत अब से तक तो लोग शादी के बाद, जब डिवोर्स की नौबत आती है तो पंडितों को ढूंढते हैं, इस पंडित ने कहा था राम सीता की जोड़ी, अल्लाह पंडित को सामने पेश करो, 6 महीने में तलाक की नौबत आ गई, है ना। होता है ना ऐसे, होता है आप ना। चाहते हो आपको लोग ढूंढे 6 महीने बाद, नहीं सर बंदी फिर कर दिया मैंने तो पंत जी की बात समझ के। मैं डर के नहीं मना कर रहा, ऐसा नहीं कि मैं इसलिए मना कर रहा हूं कि मैं डर गया हूं कि पत्नी मिलाऊं ना मिलाऊं, ऐसा नहीं है। जिसके भाग्य में डिवोर्स लिखा है वो लाख पंडितों से मिलके जो पूजा पाठ ही जो करा ले, डिवोर्स होगा। क्यों होगा पता है, मैं आपको दूसरी चीज बताता हूँ। पहली बात तो पंडित जी सही मिलेंगे नहीं जो बता दे कि इनका डिवोर्स होगा, और अगर उन्होंने ये बता दिया कि डिवोर्स होगा तो वो ये नहीं बता पाएंगे कि कौन सी पूजा करानी है। पूजा भी उन्होंने सही बता दी तो करने वाला सही नहीं मिलेगा, करने वाला सही मिल गया तो वो उस दिन सही नहीं करेगा। क्यों? अल्टीमेटली डेस्टिनी डिसाइडेड कि डिवोर्स होना है, तो पूजा में कहीं ना कहीं कोई ना कोई विघ्न बाधा आएगी। आई एम नॉट सेइंग कि रेमेडी नहीं है, होगी नहीं। क्यों? डेस्टिनी ने पहले बोल दिया, अरे मैं तो डिवोर्स के कागज तैयार करके बैठी हूं, तुम दोनों बीच में टांग अड़ाने वाले। आप कहोगे नहीं, मुझे तो पूजा पता है, डेस्टिनी कहेगी अच्छा करवा लो, मैं तुम्हें पंडित नहीं दूंगी सही वाला, पंडित सही दे दिया तो समय तुम्हारा सही नहीं होने दूंगी, और उस दिन सही तुम्हारा समय भी हो गया, पंडित भी सही मिल गया, तो पंडित का दिमाग मैं भरमा दूंगा, मंत्र पढ़ना होगा कोई पढ़ेगा कोई, जो डेस्टिनी है ना वो ऐसे काम करती है। इसीलिए मैं एक बात आप लोगों को अक्सर बोलता हूँ क्लास में, क्या बोलता हूँ, रेमेडी वो जो कभी ना हो सर। तो, लेकिन फिर एस्ट्रोलॉजी का फायदा क्या, दूसरे अब मेरे दो मित्र हैं वो मेरे से बार बार पत्री दिखवाते हैं बच्चे के लिए। बाबू से वो क्या, हाँ मैं उन्हें मना करता हूँ, कहते हैं तेरे को कुछ आता ही नहीं है, फालतू की वो करता है। मान जाओ, बहुत दोस्त ये कहें इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, जान छूट जाएगी। बहुत अच्छी हम बात तो है, वो सर, कहता है हम तो आप सर ये भी बड़े चाहते हैं। किस्मत वाले हो, आप बड़े किस्मत वाले थे, दोस्तों ने आपके ये कह दिया कि तुम्हें कुछ नहीं आता। ये वो लोग हैं जो आपको आता होगा तो भी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, सिर्फ गाली खाने के काम आने वाले हो आप, तो ये तो होता ही है सर। फिर दूर रहो अपनों से, तो खासतौर से दूर रहो। क्यों? भले का आपको कुछ मिलना नहीं, बुरे का सारा आपका। आपके कहने से वो मानेंगे नहीं, हो जाएगा तो कहेंगे तूने बताया नहीं, है ना। तो जो जी मानता ना हो उसे देनी नहीं चाहिए, हम मानते तो नहीं है पागल इसीलिए वो उनकी बातों से पता लग रहा है जो आप बोल रहे हो, वो मानते है। नहीं है, वो ना ज्योतिष को मानते हैं ना आपके ज्ञान को मानते हैं, लेकिन आप दोस्त होते हैं आपको पोकिंग कर लेते हैं, आपको चींटी काट लेते हैं, पूछ लेते हैं आपसे, है ना। कोई जी बात, चलो मेरे जो सबसे सर नजदीकी दोस्त हैं, मेरे जो बहुत सबसे नजदीकी दोस्त हैं, वो ज्योतिष को नहीं मानते, नहीं मानते, और कभी अगर उनमें से कोई मुसीबत में आया तो अपनी बीवी से फोन कराते हैं, तू पूछ, मुझे तो गाली देगा, डायरेक्ट नहीं पूछते, डायरेक्ट नहीं पूछते, क्योंकि तो उनको पता है गाली खाएगा, ठीक अच्छा है। तो उनकी बीवियां पूछती, भैया ये बता दो जरा, अब मेरे से भी कोई डायरेक्ट नहीं पूछता है, मेरी मिसेस के थ्रू ही बोले पूछ के बता दे एक बार। हाँ
दोस्तों में एस्क्लोजर नहीं बन सकते आप कभी, परिवार के एस्क्लोजर आप कभी नहीं बन सकते, परिवार दूसरे को ही पूछेगा जाकर। तो फिर नेवर। सर फिर लोगों में पहचान कैसे बनाएंगे सर फिर? लोगों में बन जाएगी, घर वालों में नहीं बनेगी। कर लोगों में बन जाएगी, घर में नहीं बनेगी। सर हम घर तो वाले बोल आपको देते हैं। मानेंगे ही नहीं, घर वाले मानेंगे ही नहीं। ए, कल तक तो ऐसे ही घूमता फिरता था, आज 4 क्लासे ज्वाइन करके बड़ा पंडित बना फिर रहा है, लो हो गया। और यही कहेंगे लोग, यही होता है सर, यही होता है, यही होता इसलिए हम तो उनसे बोलते दूर हैं, रहो। हम तो बोलते हैं, मैं ऐसा दिखाने को आया तो कोई दोस्त तो बोलते हैं चाइना मेड मैरिज लाइफ इज चाइना मेड, तो कर रहे हैं तो देखो नहीं तो मत करो, और नीचे शेरा डाल देते हैं क्या लड़का को लड़की पसंद है तो शादी कराओ नहीं तो मत कराओ। सबका अपना अपना तरीका है। कैमरा ऑन कीजिए प्लीज, अगर सवाल पूछना है तो हाथ भी ऊपर है और कैमरा भी बंद है, ये कैसा सवाल है भाई? मेरी क्लास में तो इसका आंसर कभी नहीं मिला है। कैसे हो रहना, बहुत दिनों बाद आए आप, वेरी लॉन्ग टाइम। यस सर, आपको गुरु पूर्णिमा की शत शत प्रणाम। आपको भी बहुत बहुत शत शत प्रणाम जी, कहाँ हो इतने दिनों से? मैं कभी वीडियोस देखती रहती हूँ बस आपके। कभी आ जाया करो। यस सर, आज तो मैंने गुरु मेरा पूर्णिमा भी का एकदम शाम को क्वेश्चन था अचानक से मैंने बोला चलो सब लोग आ जाओ। एक। यस सर, सप्तऋषि में आपने बहुत अच्छा समझाया सर, आज सप्तऋषि में मेरा बहुत लेक्चर था, अच्छा, सप्तऋषि बहुत एस्ट्रोलॉजी के अच्छा। चैनल पर। अभी एक और है, भृगु वास्तु पे एक और है, शायद 26 तारीख को। हाँ 26 तारीख को सेम टाइम शाम को पहुंच जाएगा। तो लिंक भेज देना। हाँ हाँ लिंक सर, भेज, हाँ आई सर, थिंक लिंक विल बी द सेम। पूरे सेम गुरु सर। पूर्णिमा के जो फेस्टिवल चल रहे हैं ना उसमें पूरे में एक ही लिंक चलेगा। तो उसमें पेड़ है ना वो तो? नहीं मेरे स्टूडेंट्स के लिए फ्री है। तो मुझे तो वो दिखा रहा था तो इसलिए आया ही नहीं सर। नहीं। हाँ जी मेरा सौरभ जी, क्वेश्चन भी है हाँ बोलो बोलो। सर, प्रोफेशन से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर प्रोफेशन के लिए क्या कॉम्बिनेशंस देखते हैं हम, बहुत बढ़िया लाइक सवाल। हॉर्टिकल्चर हो गया या ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, या किसी को करना हो तो वो सक्सेसफुल देखो होगा कि नहीं, या फार्मिंग जो है वो वीनस से आती है। वीनस अगर बहुत अच्छा है तभी आप सृजन कर सकते हो, फल का उगना, गेहूं का उगना, चावल का उगना, ये धरती का सृजन है ना? जैसे माँ अपने बच्चे को पेट में सृजित करती है, ऐसे धरती अपने गर्भ में अनाज के दाने को सृजित करती है, तो उसका पौधा बनता है, फल निकलता है उसका। ठीक है, तो दैट इज वीनस। वो फसल अच्छी होगी या नहीं होगी ये डिसाइड करता है उस किसान का मून, क्योंकि अल्टीमेटली जो आउटकम है, जो प्रोडक्ट है वो मून है। आना चावल आया, दाल आया, गोभी आई, आलू आई, सब्जी आई, जो भी, वो अल्टीमेटली क्या है, वो फूड है। तो फूड इज मून, मून इज वेदर ऑल्सो किसान के लिए। क्या है, मौसम बदल गया है ना, मून फास्ट चेंजिंग। कल तक फसल अच्छी खासी खड़ी थी, रात को बारिश आई, सारी फसल चौपट हो गई। तो क्या खराब हुआ, मून खराब हुआ, रातों रात सारी फसल खराब हो गई। ठीक है, तो जिस किसान का चंद्रमा अच्छा होता है उसकी फसल खराब नहीं होती, जिस किसान का चंद्रमा खराब होता है उसकी फसल खराब होती, मौसम की मार पड़ जाती है। कॉम्बिनेशन है कई सारी चीजों का, देखना पड़ता है, बट मेन वीनस एंड मून हैज टू बी सर, गुड। मुझे भी पूछना था कि कॉटन किस चीज का कारक होता है। जैसे कोई बोले कि मैं कॉटन का काम करना चाहता हूँ, तो सर मून से देखेंगे या शुक्र से मून देखेंगे? से, मून मून से से। सूत मून है, कपास मून है, कपड़ा मून है, उसी से बना है ना। जब वो कपड़ा सिल गया तो वो वीनस हो, रेडीमेड बन गया, अब वो वीनस हो। तो जो क्लॉथ मिलता है ना सर थान में, फोन 2 मीटर तो तीन वीनस मीटर होगा कपड़ा,
वो मून है, लेकिन जो रेडीमेड शर्ट आती है या रेडीमेड जो ड्रेसेस आती हैं वो वीनस होता है। जब तक फैब्रिक फैब्रिक की शेप में रहेगा तब तक वो मून है। सर फ्लावर्स का बिजनेस किससे देखते हैं? सर वीनस फूलों का बिजनेस? फूल वीनस है, खास वॉइस आ तौर रही से है? ट्रू फ्लावर्स में, फ्लावर्स में खास तौर से है। लिली फ्लावर इज अ प्योर वीनस। जिनका वीनस अच्छा है उनको लिली फ्लावर बहुत अच्छे लगते होंगे, ये पहचान है। इफ योर वीनस इज गुड यू विल नॉट लाइक गेंदे का फूल, यू विल नॉट लाइक रोज, यू विल लाइक लिली फ्लावर, है ना? सर मंगल मार्स जमीन से जुड़ा हो गया ना, मार्स इज लैंड है ना, तो अगर वीनस मार्स साथ में है तो वो फ्लावर्स का लैंड पे कुछ कर सकता है ना? नहीं ऐसे नहीं। राजीव जी, मुझे नीम के फूलों की खुशबू बहुत पसंद है, कड़वा नीम के जो झाड़ होते हैं जब वो फ्लावर करते हैं और उनकी जो खुशबू हवा में फैलती है वो मुझे बहुत पसंद है, तो आपके वो बाजू में किस घर के तरह? आसपास बचपन में कोई होगा, आपको आदत पड़ी होगी उसकी। बचपन में आपके मोहल्ले में था कोई ऐसा पेड़? नहीं, बचपन में तो आम के पेड़ थे, बट जब से यहाँ दुबई में आए हैं यहाँ बहुत सारे होते हैं, एंड अच्छा, ऑफिस वो से जो शाम को रोज रोज आते स्मेल समय करते हो वो अच्छी लगने लग जाती है। इट गिव्स अ वेरी कामिंग इफेक्ट। सर हम लोग आयुर्वेद में देखते हैं कि वात पित्त कफ, तो इसको हम लोग प्लैनेट से कैसा रिलेट करेंगे? वात मतलब 9 प्लैनेट्स में हम लोग ये 3 दोषास को कैसा पकड़ेंगे? हाँ प्लैनेट्स के एलिमेंट आपको पता नहीं है? पता है सर, लाइक इसमें लाइक वात पित्त में लाइक 2 एलिमेंट्स रहते हैं ना, जैसे कि कंफ्यूजन है उसमें। वात पित्त कफ इज अ प्रकृति एलिमेंट, इज अ इनबिल्ट फीचर ऑफ प्लैनेट। वात पित्त कफ का एक फीचर है वो, है ना? जी सर। वात पित्त का, वात जो है वो एयर है, ठीक है? एयर किसकी होती है? जिन जिन प्लैनेट्स की एयर होती है एलिमेंट तत्वों में वो वात के कारक हो जाएंगे। पित्त का कारक कौन हो जाएगा? जिन प्लैनेट्स में हीट होती है वो पित्त का कारक हो जाएंगे। जी सर। जो प्लैनेट ठंडे होते हैं वो कफ का कारक हो जाते हैं, ठीक है? वो कौन सा ठंडा है, कौन सा गर्म है, कौन सा वायु है, वो प्लैनेट के एलिमेंट से मैच कर रहा है। जी सर। हाँ जी, राजीव जी, राजीव चौहान जी, नमस्कार नमस्कार जी। सर। मेरे को एक कोर्स के बारे में पूछना था, कोई आपका कोर्स कंबाइंड कोर्स आ रहा है क्या नेक्स्ट मंथ वीकेंड में? कंबाइंड मतलब जैसे एस्ट्रो वास्तु और बीएन, ऐसा मतलब नहीं जो सर, कंबाइंड। मुझे खिचड़ी पसंद नहीं है। अच्छा, तो एस्ट्रो वास्तु का आ रहा है क्या नेक्स्ट मंथ कुछ अभी तो वीकेंड? बीएनएन का नया बैच शुरू होने वाला है, वीकडे ट्यूसडे एंड फ्राइडे शाम को 9 बजे अभी ओके वो बैच शुरू होगा। सर, अगर सेकेंड आवर में सैटर्न एंड मून है तो क्या निगेटिव इम्पैक्ट आता है जातक पे? सेकेंड हाउस में, हाँ, सैटर्न है, शनि और चंद्रमा है दोनों, निगेटिव निगेटिव रहता है इसमें, मतलब कि निगेटिविटी कितनी रहेगी इसकी उसकी वेल्थ खराब हो जाएगी। विषय बन जाएगा। ही विल लूज हिज वेल्थ। बड़ा हो सर, ओके, आप इतनी कुछ देने वाले थे सर? सर देर से क्या कर रहे हैं? संजीव जी, मेरे लिए तो बार बात, आप बीएनएन बता दो कि सीखना स्क्रीनशॉट नहीं चाहिए। भेजना चाहिए, मैं somehow दिख the रहा topic हूँ has ना, got मैं यार clear. 1 मिनट, प्लीज कीप योर म्यूट, कीप योर सेल्फ म्यूट इफ यू डोंट आस्क मी, यू कैन नॉट आस्क मी। हाँ जी बोलो, क्या बोल रही? देखिए आप बता रहे थे कि बीएनएन, ज्यादा स्क्रीनशॉट ले लेके नहीं भेजना चाहिए बिकॉज इट हैज सम इफेक्ट ऑन आवर प्लैनेट्स, तो फिर ये बात चली गई पता नहीं। दैट इज एक्चुअली किलिंग योर कन्वर्सेशन क्वालिटी।
आप मुझे कोई चीज कन्वे करना चाहते हो, ठीक है, आपको चाहिए कि आप वो टाइप करके मुझे समझाओ, आप मुझे नहीं समझा पा रहे हो और आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज रहे हो, इसका मतलब क्या है? यू हैव नो स्किल टू अंडरस्टैंड मी ना, योर थिंग, आपके अंदर वो स्किल नहीं है, यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग प्रॉपरली, आपको अपनी बात को कम्युनिकेट करना नहीं आ रहा, आप मुझे तो स्क्रीनशॉट भेज दोगे, जब आमने सामने किसी से बात कर रहे होगे और अपनी बात नहीं समझा पाओगे तब क्या करोगे? यू किल्ड योर स्किल ना बाय सेंडिंग वीडियो स्क्रीनशॉट, यू किल्ड योर स्किल टू डेवलप, जो स्किल आपको डेवलप करनी चाहिए थी आपने उसको मार दिया, आज तो मेरे को भेज दोगे स्क्रीनशॉट चल जाएगा, मेरे सामने जब आओगे या कोई भी दो लोग आमने सामने होंगे उसमें से एक स्क्रीनशॉट, वो क्या बोलेगा, भाई रुक मैं तेरे को स्क्रीनशॉट भेज के समझाता हूँ। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को खत्म कर रहे हो, ये वही बात है, साइन करना भूल के अंगूठा लगाना चालू करो, ठीक है, नए जमाने में आ गए तो वो बायोमेट्रिक हो गया है तो अंगूठा ही है ना। आप अपने को, बहुत से लोग व्हाट्सएप पे अजीब अजीब सी बातें लिखते हैं, वो अपनी बात बेचारे कह नहीं पाते, मैं 4 बार पढ़ता हूं मुझे समझ ही नहीं आता ये कहना क्या चाह रहा है, फिर मैं आंसर नहीं करता, क्या करूं आंसर, मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। यू हैव टू इम्प्रूव योर स्किल टू कम्युनिकेट विद अदर्स, आप नहीं कर पा रहे हो, स्क्रीनशॉट मत भेजा, इट किल्स योर क्वालिटी टू, लेकिन लोग भेजते हैं, कुछ लोग तो स्क्रीनशॉट ही भेजते, बोले समझाने की क्या जरूरत है, अरे भगवान ने जबान दी है लिखो भाई, माइंड दिया लिखो, ऐसे क्यों करते, यू नीड टू डेवलप योर स्किल। मैं बार बार क्यों बोलता हूँ कैमरा ऑन करो कैमरा ऑन करो, मेरा फायदा है, जो तो क्लास में है मेरे वो जानते हैं मेरा फायदा है कैमरा ऑन कराने में, आप लोगों में से जितने लोग हैं क्या कैमरा ऑन बंद करके मेरी क्लास की जा सकती है, पल्ले ही नहीं पड़ेगा कुछ समझ ही नहीं आएगा, बंद करके देख लो कैमरा, रिकॉर्डिंग से ज्यादा लोग नहीं सीख पाते, बिरले ही होते हैं। सर ये कुछ पेरेंट्स लोग आते हैं बच्चों की प्रॉब्लम को लेके, वो बच्चों से बड़े परेशान हैं, उनके अनुसार उनके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं मेहनत के अनुसार, कंसल्ट करें हमें सर, तो ये बच्चों की पेरेंटिंग का कैसे क्या रहता है? ये पेरेंटिंग देखो, पेरेंट्स तो हमेशा ही भूखे रहेंगे, आपको पता है अभी परसों में रिपोर्ट एक देख रहा था, हमारा एजुकेशन सेंटर का हब कौन सा है, कोटा है ना, कोटा है जी, राजस्थान में कोटा, कोटा खाली हो गया, 90% बच्चे कोटा में नहीं है इस समय, 90% तक डाउन है कोटा, जिन ये तो लोगों पता ने नहीं। कोटा में कोचिंग सेंटर्स खोले हुए हैं बर्बाद हो गए, वो इस साल बच्चे हैं ही नहीं, है कोई यहाँ पे कोटा से ये जानकारी रखता हो? सर मेरे ससुराल कोटा के हैं। आपको वो नहीं पता होगा ना पॉइंट जो मैं बात डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, क्यों ये पता नहीं है, हो गया ऐसा, क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि आए कोटा दिन में क्या कुछ बच्चों ने सुसाइड कर लिया, सुसाइड कर वन पेरेंट्स डर फिफ्टी गए, थ्री उन्होंने कहा नहीं पढ़ता बच्चा मत पढ़े, लेकिन हम कोटा नहीं भेजेंगे, यही तो तो कोटा की प्रॉब्लम एजुकेशन इंडस्ट्री है। ठप क्या हो गई, बैंगलोर में भी हो रहा है, पेरेंट्स हैव स्टॉप्ड पुटिंग द चिल्ड्रन इन स्कूल्स, उन लोगों ने होम स्कूलिंग और अनस्कूलिंग बोल के ग्रुप्स हैं वो ज्वाइन कर लिए हैं, वो खुद पढ़ाते हैं बच्चों को, वीकली मिलते हैं एंड स्कूल्स लाइक मैं हाथ जोड़ जोड़ के बच्चे बुलाते हैं एंड देन वी कैन लिटरली गो एंड फाइट, अगर कुछ भी बच्चा बोल देता है ना कि मैं आज अपसेट हो गया तो भी हम पेरेंट अगर कॉल करें ना स्कूल में, जी 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 मैडम हम केयर करेंगे, और पहले तो डर लगता था स्कूल से। चीजें बदल रही हैं, यस सर, ये मैंने अभी इसलिए हो सुना रहा है था क्योंकि बायो, हमने गलत पेरेंट, आप देखो आपके पास स्कूल पे ऊपर भड़ास निकालने के लिए स्पेस है तो आप भड़ास निकाल लो,
आपको कोटा में सुसाइड पे इंस्टीट्यूट पे भड़ास निकालनी है निकाल लो, पेरेंट्स की गलती मत देखना। आप अपने बच्चे पे इतना प्रेशर क्यों डाल रहे हो भाई? सबसे सर, पहला एक एक प्रेशर तो बच्चे बच्चे के होते हैं, ऊपर आता है तो उसकी फैमिली से आता है। एक एक पहला ही तो प्रेशर बच्चे होते हैं। टीचर्स नहीं डालते, आजकल के टीचर इतना प्रेशर नहीं डालते, उनकी बला से उनको फीस आनी चाहिए। एवरीबडी इज वेरी मच कमर्शियल नाउ डेज, उनको फीस आ रही है, उनको कोई वास्ता नहीं। वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेते हैं। हमारे यहाँ से ये 5 IAS बने, वो 5 IAS हर इंस्टीट्यूट में पढ़े हुए होते हैं। एजुकेशन सिस्टम में कोटा में ये बहुत बड़ा फ्रॉड है जो चल रहा है। बच्चे कमिटेड सुसाइड यार, तो प्रेशर किसका था? माँ बाप का था या स्कूल का था? माँ बाप का तो फिर कोटा क्यों खाली हो गया? बच्चे तो आज भी उन्हीं के घर में हैं जिनके पेरेंट्स उनके साथ हैं। ये पेरेंट्स को समझना है कि अपने बच्चों पे इतना प्रेशर मत डालो, वो आपके ऊपर ही पलट के आएगा। आ गया ना कोटा में? कुछ पेरेंट ना मार्कशीट लेने आते टाइम 98% बच्चे वाले को बोलते थे, 2% कहाँ गया? हाँ, बच्चे को देख के मैंने अरे हमारे जमाने बोला में 60% आ जाता था तो पूरे स्कूल में नाम होता था, अरे नाम होता फर्स्ट डिवीजन आई है लड़की की। डिस्टिंक्शन नाम होता तो किसी किसी की आती थी, मेरी जिंदगी में एक डिस्टिंक्शन आई जिस सब्जेक्ट में मैं सबसे बुरा हूँ। पेरेंट्स को समझना चाहिए। सर। ये प्रेशर कैसे देखेंगे? सनमून पर रिफ्लेक्शन। पता नहीं ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, इसको कनेक्ट कैसे करेंगे कि पेरेंट्स प्रेशराइज कर रहे हैं बच्चे को? बच्चे की पत्री में देखोगे तो आपको उसके एजुकेशन मरकरी के ऊपर प्रेशर दिखेगा। मरकरी मस्ट बी इन्फेक्टेड मरकरी मस्ट बी कनेक्टेड विद द बैड सन एंड बैड मून। गुड अच्छा ठीक है। सन तो नहीं करेगा ये, बैड सन ही करेगा राजीव ना। जी, BNN कोई भी सीख सकता है जिसको कोई नॉलेज ना हो अरे एस्ट्रोलॉजी जब का? मेरे जैसा सीख सकता है तो कोई भी सीख सकता। अच्छा, आपको तो इतना सब आता है, आपसे कुछ नहीं कोई आता मुझे। कंपैरिजन BNN इज द मोस्ट इजीएस्ट मेथड टू लर्न, इससे ही? ज्यादा अच्छा आसान कोई ज्योतिष में कोई और विधा नहीं है, सबसे आसान। चलिए और सर, कुछ किसी नेक्स्ट का? ईयर रोशन बोलो भाई। सर एक क्वेश्चन पूछती हूँ सर। नेक्स्ट ईयर देखो सारे प्लैनेट्स एक लाइन में आने वाले हैं, तो सब लोग बोल रहे हैं कि ये बहुत इसके बाद या तो कुछ छप्पर चेंजेस होंगे। फटेगा, छप्पर हाँ, फटेगा तो ये है सब ना, क्या है युग सर, इसके परिवर्तन बारे में बताइए। होगा, भरा इसी चीज से नोटों की बारिश होगी, बाद में देखना आप जब पार कर जाओगे ना उस समय को आपको पता लगेगा कुछ नहीं हुआ। लेकिन सर ये भी बोल रहे हैं कि पाइसेस में अब शनि आने वाला है, तो उससे बहुत प्रॉब्लमेटिक रहेगा और बहुत प्रॉब्लम करेगा, कुछ कोविड सर मतलब जैसा वर्ल्ड आएगा लेवल। और भी प्रॉब्लम हाँ होगी। अच्छा एक बात बताओ, दुनिया में सुख था कब? सैटर्न जब एरीज में था दुनिया में तब भी कलेश थे, टॉरस में आया तब भी कलेश, कौन से हाउस में सैटर्न आया तो दुनिया में कलेश नहीं थे, मुझे ये बताओ। मैं भी उस दिन यही सोच रही थी कि हमारी हमारी कुंडली में जहां शनि आपको जाता है क्यों वहां मैं पे बता प्रॉब्लम तो शुरू रहा हो जाती है। हूँ, ये बिजनेस का तरीका है, ताकि जो पाइसेस सैटर्न में आने वाला है, सैटर्न जिसका पाइसेस में आने वाला है वो कस्टमर बन जाए आपके, उनको डराओ है ना। अच्छा सर, एक बात पर बताइए, इज द वर्ल्ड हेडिंग टुवर्ड्स थर्ड वर्ल्ड वॉर और आर वी ऑलरेडी इन इट? ये भी आजकल बहुत चल रहा है, आप बताइए। आपको लगता है थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं चल रही? हाँ, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। चल रही लगता है है, कब लगता ऑलरेडी, है? ऑलरेडी वॉर ऑलरेडी तो इट्स चल गोइंग रहा ऑन, है ना, इट्स इट्स गोइंग गोइंग ऑन एनी ऑलरेडी। डे, इट विल टच द पीक। वही इजराइल अच्छा पैलेस्टाइन रशिया यूक्रेन, इट्स एवरीवेयर। तो अब वो सर जमाना नहीं है जैसे पहले वर्ल्ड वॉर हुई थी, दो वैसी वर्ल्ड वॉर हूँ, अब वैसा नहीं होगा। नहीं, पहले वर्ल्ड वॉर या वॉर जो होती थी वो ग्राउंड बैटल होती थी, अब ग्राउंड बैटल नहीं होती है ना। अब अगर आप लोगों ने अभी माइक्रोसॉफ्ट का डेड देखा, एक दिन हुआ था ना माइक्रोसॉफ्ट या डेड, कल कल ही हुआ था कल परसों ही हुआ था। जी। अगर आज सोच के देखो, इफ यूएस वॉन्ट्स टू किल यू, हाउ इजी फॉर हिम? वेरी इजी, माइक्रोसॉफ्ट बता दो, सारे सर्वर तो यही है।
एक बटन उसने विंडोज का बंद करना है, हिंदुस्तान के जहाज वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे, एयरपोर्ट वहीं खड़े रह जाएंगे, पावर प्लांट वहीं खड़े के खड़े रह जाएंगे, एवरीथिंग विल बी स्टॉप्ड। हो गई वर्ल्ड वॉर की विनिंग, अब बंदूक गोली चलाने की जरूरत नहीं है, देशकाल परिस्थितियां बदल गई, देशकाल परिस्थितियां बदल गई। अमेरिका चाहे तो एक दिन में हिंदुस्तान के सारे एटीएम, बैंक, एयरलाइंस सब बंद कर सकता है, बल देख लिया नमूना। आपको क्या लगता है ये बात उनके दिमाग में नहीं है या हमारे दिमाग में नहीं है? लेकिन हम कुछ करते नहीं, चाइना ने किया, रशिया ने किया, उनका अपना सिस्टम है, वो इंफेक्टेड नहीं हुए, हम नहीं डेवलप कर रहे अपना। इंडिया का, इंडिया आईटी में सुपर पावर है, लेकिन हमारे पास एक ओएस नहीं है विंडोज की तरह चलाने के लिए, चाइना के पास है, चाइना के पास क्यों और हमारे पास क्यों नहीं है? अब वर्ल्ड वॉर ऐसे होंगे, अब वर्ल्ड वॉर वो बैटल टैंक लेके पोलैंड पे चढ़ाई करने वाले हिटलर के जमाने की चीजें अब नहीं होंगी। बैंक लूटने के लिए अब बंदूक नहीं चाहिए, सर्वर चाहिए, हैक कर लो सारा कुछ। साइलेंट रोड सर, मैं एक बात पूछूं, अरे मेडिटेशन करना चाहे पर वो आपने भी एक बार बोला था कि मेडिटेशन नहीं आता है तो मत करिए, तो उसको सीखने का तरीका? सीखने का तरीका ये है कि लगातार कोशिश करते रहिए, कभी ना कभी सीख ही जाओगे, मतलब सोलो भी उसका हम एक कर ही तरीका सकते। है, उसका एक तरीका है, मैं बताऊँ उसका एक तरीका है। सबसे पहले तो नियम बनाइए, जैसे आज मान लीजिए आप 10 बजे का नियम बनाते हैं, ठीक है, तो रोज 10 बजे से लेके 10:15 तक 15 मिनट आप घर के एक पर्टिकुलर कॉर्नर में उसी जगह पे रोज बैठोगे, ध्यान लगे या ना लगे, पहले तो बैठना शुरू करो। जब बैठना शुरू कर दोगे तो स्टेप वन कंप्लीट होगा, आप स्टेबल हो गए। अब बैठने के बाद आप तो माइंड स्टेबल करने की नौबत आएगी, अब क्या होगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू होगी, जैसे ही बैठोगे आपको सारी दुनिया के दुख याद आ जाएंगे, ठीक है। और हम लोग जैसे मेडिटेशन वाले लोग होते हैं तो वो क्या बोलते हैं, स्टॉप योर ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग जो आपके अंदर हो रही है इसको शांति कीजिए। मैं बोलता हूं बिल्कुल मत कीजिए, मेडिटेशन का सही तरीका है जो विचार आपके मन में आ रहे हैं लेट देम फ्लो, उनको रोकोगे तो वो 4 गुना स्पीड से आएंगे, उनको आने दो, मन में विचार आ रहे हैं ना, आ रहे हैं, आने दो, मैं नहीं रोकता, आने दो, 15 दिन, 20 दिन, महीना ऐसे करो, वो अपने आप थक जाएंगे, आना बंद हो जाएंगे। ये है राइट टेक्निक टू गो इनटू मेडिटेशन। आप सोचो कि आप विचारों को रोक के मेडिटेशन में चले जाओगे, कभी नहीं जा पाओगे, पॉसिबल ही नहीं। मेडिटेशन न्यूटन्स थर्ड लॉ है, न्यूटन्स थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जब आप अपने विचारों को रोकोगे तो 4 गुना विचार आपकी तरफ आएंगे पहले से, इसलिए उनको रोकिए मत, उनको आने दीजिए, धीरे 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 माइंड आपका यूज टू होता जाएगा, काम एंड क्वाइट होता जाएगा। फिर इसके बाद थर्ड स्टेज आती है कि अब आपका मन काम एंड क्वाइट हो गया, बॉडी काम एंड क्वाइट हो गया, अब ईश्वर से जुड़ो, देन यू विल लिसन द साउंड ऑफ ओम, ठीक है। जो नहीं लगता जिसका, उसके लिए लॉन्ग टर्म प्रोसेस यही है, और कोई तरीका नहीं। सर ये चक्रों को बैलेंस ये सब इसी में आता है? अरे इस चक्कर में मत पड़ना पागल हो जाओगे, इसको या तो सीखना या नहीं सीखा तो इन चक्रों में पड़ना मत। नहीं नहीं पर सीखना है तो भी, जब तो सीख लेना तब, तो सीखने के समय में बताऊंगा, अभी नहीं बता सकता। सर रेकी में यही करते हैं चक्रों की एनर्जी को बैलेंस, सर रेकी में। हाँ सर, जैसे रेकी हमारे हील करती है कर्मास, तो सेम वे स्वर भी ऐसे ही करता है या फिर स्वर
इज लाइक शॉर्ट शॉर्ट देखो कट भाई, हील तो मैं भी तुम्हें कर रहा हूँ अभी, हील है। इतनी गर्मी में सोएगा वहां, एसी चल रहा है। तो मैं भी तुम्हें अभी कर रहा हूँ, ठीक है? सेम वे, दैट वे, दिस वे, वो मुझे नहीं पता, बट हीलिंग इज हीलिंग। ओके ये उसमें भी मेरे को ऐसे होता पूछ है, इसमें लेना। भी ऐसे होता है, देर आर हंड्रेड ऑफ मेथड्स, यू कैन नॉट कंपेयर विद ईच अदर। सर एक सर पत्री बैठ देखी, के करें मेडिटेशन कि सर लेट के, मतलब बैठे बैठे बहुत देर, मतलब थक जाते हैं, इतनी देर नहीं ऐसे चौकड़ी मार के बैठा जाता है, तो लेट के चलने तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट के भी क्यों करते हो, सोते सोते रात को सपने में कर लेना, इतना एहसान क्यों करना भगवान पे कि चलो लेट के तुम्हें याद कर रहे हैं, यार आ जाओ बात कर लो मेरे से, कनेक्ट हो जाओ मेरे से। तभी अरे यार छोड़ो ना यार, मैं सो ही तो रही हूँ, लेट ही तो हुई हूँ, इतना भी नहीं कर सकते, मेरे से बात नहीं कर सकते, मैं लेटी हुई हूँ, मैं थक गई हूँ, मेरे से बात करो भगवान जी। मतलब ये है कि सर फिर कनेक्ट नहीं हो पाते ना सर, थोड़ी दिन भर टांगों में दर्द हो जाती है, पोस्चर में चेंज करना पड़ता है, तो लगता है कि दिमाग में तो ये चल रहा होता है कि अब टांगे दर्द हो रही है, सीधी कर लूँ तो फिर उसका क्या फायदा। सर ये पूछ रहे हैं कि लेट के कर सकते हैं या चौकड़ी जिस दिन ध्यान लगेगा मारते ना, करने। सबसे पहले ये शरीर के जो हिस्से हैं ना, जो आवाज लगाते हैं, इनकी आवाज बंद हो जाएगी। दधीच ने साधना करी, साधना करके अपने प्राण को अपने क्राउन चक्र में बिठा लिया और शरीर भूल गए, दीमक खा गई, तब भी नहीं पता लगा। आप सोचो ध्यान की क्या अवस्था थी ऋषि दधीच की, उनके शरीर को दीमक खा गई, उनको पता नहीं लगा, और आपको टांगों का दर्द पता लगता है। सब किसी का राहु 8वें घर में है, वह व्यक्ति कलयुग आ गया, लोगों का बस चले ना, तो लोग अपना आधार कार्ड लेके बैठे, भगवान जी ये रहा मेरा आधार कार्ड, यू हैव एन अपॉइंटमेंट विद मी, कम टॉक टू मी, आई हैव एन आधार कार्ड। मानवी तो बोल बेटा, एक मिनट, बेचारी 3 बार शुरू हुई नहीं बोल पाई। कोई बात नहीं सर, फेस रीडिंग की थी तो मैं सही जा रही हूँ या नहीं बताना। फोरहेड में एक गड्ढा था उनके यहाँ सेंटर में, तो बुध राहु का कॉम्बिनेशन इज इट राइट? बुध चंद्र केतु, राहु नहीं होगा इधर गड्ढा है में। चंद्र चंद्र केतु, उनको सर कुछ ऐसा था कि हाँ कुछ कंफ्यूजन है, ये मतलब इसे कलर्ड इमोशंस होते हैं इस तरीके से, और मैंने उससे फेस रीडिंग से पता लगाने की कोशिश की। एक पेशेंट आया था हॉस्पिटल में, मैंने कभी ऐसा देखा नहीं, उनका बड़ा गड्ढा था बिल्कुल। चंद्र केतु तो इसको कैसे लेंगे सर, चंद्र केतु गड्ढा केतु से ले लें अपन? केतु है ना, गड्ढा है, कालापन है, दाग है, और ये जो आप बता रहे हो ना स्पॉट, ये एग्जैक्ट स्पॉट चंद्रमा, अच्छा इसके अलावा बाकी जितना फोरहेड है वो मधुर। समझ में और आया? सर अब चंद्र केतु से, चंद्र केतु को वेरीफाई करना है तो उसके लाइफ में प्रैक्टिकली क्या क्या चीजें होंगी, यू कैन वेरीफाई वेरी वेल, आई थिंक, है हाँ ना? सर वो हो गया, कनेक्ट हो गया। मेरे को बस कंफ्यूजन इसीलिए था क्योंकि ये जो स्पॉट होता है हम जानते हैं किसी और चीज के लिए होता है, बाकी का फोरहेड थोड़ा अलग होता है, वही कंफर्मेशन चाहिए चंद्र केतु को क्या सिम्टम ये। देखा हो उनके लाइफ सर में? वही कि ना जैसे इमोशंस होते हैं, केतु अपन जानते हैं कि उसको कलर करता है या जो भी अटैचमेंट दे, तो उनका मन उसी तरीके से था, मतलब बहुत कम वे में बात करना, थोड़ा हाँ, बहुत केतु कम बात से जब कर। डिप्रेशन होता है तो साइलेंट हो जाता है। उनको डिप्रेशन तो नहीं था सर अभी जब मैं मिली थी मुझे, बट मतलब हाँ थोड़ा ऐसे लो उन सबकी जो एक डिप्रेशन के थोड़े सिम्टम्स हम देख सकते हैं, वो स्टार्टिंग कुछ पॉइंट होगा। कुछ स्टार्टिंग पॉइंट जैसा था, वो चीज है। और अभी सर जो लेक्चर्स हम लोग ले रहे थे
तो अच्छा लगा मुझे देख के, आपको बात भी एक लेक्चर हुआ था प्लूटो पे, ठीक तो हम जनरली है। मतलब मैं बहुत क्यूरियस रहती हूँ कि हम तीन प्लैनेट छोड़ देते हैं, एक प्लूटो, एक वरुण और एक अरुण, तो वो किस काम आते हैं? फिर भृगु नंदी नारी में हम नहीं पढ़ते हैं, तो प्लूटो पे वो सेशन था और मैं काफी उसमें कनेक्ट किया। अगर अपन दोबारा कोई क्लास जैसे आप बोल रहे थे कि करेंगे, तो उसमें मैं जरूर शेयर करूंगी। मैंने कुछ पत्रियां देखी, बहुत अच्छे से कनेक्ट हुआ, अपन भृगु अगली नंदी बार नारी से करना जोड़ सकते हैं। सर ये संडे ऐसा को मैंने 3 बजे, पत्रियों, संडे को 3 बजे, ठीक ठीक, है? उसमें बहुत अच्छे दैट से विल बी कनेक्ट हुआ ओनली, उससे। दैट विल बी ओनली फॉर माय बीएनएम स्टूडेंट्स, ठीक है? ठीक है ठीक, सर, संडे को 3 बजे मुझे रिमाइंड भी करा देना भाई, मैं आपको वादा करके मैं ही भूल जाऊँ तो पता नहीं, ठीक है? मेरे को रिमाइंड इवनिंग। करा। और इवनिंग सर का अभी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं अपन सेशन? नहीं, बस 5-10 मिनट में सुनिए, 5-10 मिनट्स। सर इफ गुड समबडी इवनिंग नीड्स सर। टू आस्क, गुड इवनिंग जी। सर सॉरी सर, कैमरा ऑन नहीं कर सकते हैं बिकॉज जी सम कारण। सर हम पूछना चाह रहे थे कोर्स के बारे में, हमको नॉलेज बिल्कुल, नहीं, और ये लिंक तो हमारे पास आया था तो हम ज्वाइन हुए थे इससे। अब समझ नहीं आया मुझे क्या कह रहे हो। सर ये लिंक आया हुआ था हमारे पास तो हम ज्वाइन हो गए थे, कोर्स के बारे में कुछ नॉलेज भी और ना एस्ट्रोलॉजी के बारे में। सर ये जानना चाहते थे कि एस्ट्रोलॉजी मतलब बीएनएन रघुनंदी जो है वही, अभी किसी ने पूछा था ना क्लास में कि कर सकते हैं तो प्रिडिक्शन भी हम लोग कर पाएंगे सीख के, ऐसा कुछ। हाँ, सब लोग कर लेते तो आप क्यों नहीं कर पाओगे? नहीं सर, इसके लिए हमारी पत्री में भी कोई कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि मतलब हम कॉम्बिनेशन ये नहीं चीज होता कर तो पाए। यहाँ थोड़ी बैठे होते। आपको क्या लगता है, आप अपनी मर्जी से यहाँ आ गए बिना पत्री की? कॉम्बिनेशंस की वजह से आप आ गए यहाँ पे? पूरी नहीं सर, तो क्या रीजन हो सकता है सर इसका? बता तो रहा हूँ, आपकी पुत्री में योग है इसलिए यहाँ पे होगी, तो बता रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है सर, बिना उसके आप इसका यहाँ होते नहीं, बिना उसके ना आप यहाँ होते नहीं। अच्छा ओके सर। तो सर ये क्या मतलब इसका टाइम पीरियड कितना है, फीस वगैरह, और मतलब इस ये करने के बाद प्रिडिक्शन आ जाता है सर, या और कोई कोर्स भी करना पड़ता है इसके साथ में? तो ये मेरे बजाय बाकी लोग बताएं तो ज्यादा अच्छा है, ये मेरे स्टूडेंट हैं। क्या आ जाता हाँ है राजी, कौन मैम, आ बताएगा? जाता है, मैं बता रही हूँ सर, आ जाता है। डीएनएन करने के बाद फिर वैदिक करने का मन ही नहीं करता है सर सर। इसका क्या टाइम पीरियड होता है, कितने टाइम में आ जाता है वो? 30 क्लासेस होंगी, मंगलवार शुक्रवार रात को 9 बजे से, हफ्ते में 2 दिन 30 क्लास होंगी। अच्छा बाकी ग्रुप में आप लोगों को नोटिफिकेशन आते ही रहते हैं, ग्रुप में रहिए तो आपको खबर मिलती रहेगी। मैं कोशिश करूंगा कुछ प्री लाइव सेशन जैसे किया करूंगा रेगुलर बेसिस पे। और सर बाद में जैसे क्लासेस चलिए, पूरी हो जाती है फिर कुछ पूछना रहता है या कुछ डाउट्स होते हैं उसके लिए कोई क्लासेस होती है? ठीक सारी जिंदगी पूछना रहेगा, मैं कब तक आपका साथ दूंगा? अपने आप भी तो कुछ कुछ करोगे कि नहीं करोगे? अरे मैं मैम इतनी प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करा चाहिए। देता हूँ ग्रुप में ही कि प्रैक्टिस आप परफेक्ट हो जाते हो। सर मैं मैं झूठा बोलूं वादा नहीं करता कि मैं आपको 2 महीने 3 महीने 6 महीने तो सपोर्ट करता रहूंगा, मैं नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं पर टाइम नहीं। क्लास में ही इतनी प्रिपरेशन करा देता हूँ कि आपको वो कमी लगेगी नहीं। सर, मैं बोलूं कि हाँ मैम आप क्लासेस करते करते प्रेडिक्शन करना स्टार्ट कर दोगे, और प्रैक्टिस इज अ मस्ट। ये नहीं कि सिर्फ आपने क्लास में पढ़ा और छुट्टी, क्लास के बाद भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस जैसे ओके, जितनी क्लास ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका होगा, क्योंकि अपने घर के में दो चार्ट्स तो होते घंटे ही हैं। हाँ बैठने से ज्योतिष कभी नहीं आए। झूठ कभी नहीं आती है सर। क्या बोलना, प्रैक्टिस नहीं करोगे मैम इन खराब शॉर्ट नहीं है होगा। सर, जीरो से हीरो बना के भेजते। राइट कहाँ रहते हो सौरभ जी, इतने सालों बाद दिखाई दिए हो, दिखाई भी नहीं दे रहे हो अभी, सर आवाज अब से ही दिख गया पहचाना है मैंने। सर। चलो, गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको नमन बहुत बड़ा। आपको भी शक्ल तो दिखा दिया गुरु भाई जी, लो सर दिखा दी शक्ल। चलो ठीक है जी। आज वैसे हमने
क्लास में क्या पढ़ाते हैं क्या करते हैं उसके लिए सेशन नहीं बुलाया था। आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड इन पिचिंग माई क्लोसेस टूडे। ठीक है जी, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कभी ग्रुप में लिंक डालूंगा तो आ जाइएगा सब लोग। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। नमस्ते सर। थैंक यू। गुड नाइट सर। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी चरण सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।